गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। बहुत अच्छा, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। चलिए तो आज हमें इनडेप्थ डिस्कशन स्टार्ट करना है मेमोरी मैनेजमेंट पे। कल हमने बेसिक बात कर ली थी और आज तो हमारी बैक टू बैक दो क्लासेस है, याद है ना? वाह, तो कंटिग्यूस एलोकेशन, नॉन कंटिग्यूस एलोकेशन क्या कहानी है, कैसे चीजों को प्रोसेस करते हैं, पेजिंग क्या है, सब चीज मजा आ जाएगा, आज तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है सर, तो सीधे मैं मुद्दे की बात करूंगा, उसके आधे एक घंटे के बाद फिर आपको कुछ कहानी पूछना होगा, सुनाना होगा तो बात करिएगा, है ना? पहले कुछ एजेंडा बेस्ड डिस्कशन करते हैं। सुनीता जी कह रही इनकी फर्स्ट क्लास है, आपके किसी पुराने जन्म के पुण्य का उदय है कि बहुत सही मौके पे आपकी फर्स्ट क्लास है, तो एक घंटा पहले सुनीता जी पढ़ाई करिएगा, बिल्कुल एक नया आइडिया हाँ आज की क्लास में सुनाऊंगा, डोंट वरी, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया, बहुत जबरदस्त तरीके से सर हम फॉलो करेंगे। चलिए तो मैं एक बार आपको याद दिला दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम की दो बड़ी या दो या तीन बड़े जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लास्ट क्लास में हमने कंक्लूड किए थे वो क्या थे? ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहा हूं सर, एड्रेस ट्रांसलेशन करना किसकी जिम्मेदारी होगा, हु विल टेक केयर ऑफ एड्रेस ट्रांसलेशन? वेरी गुड वेरी गुड। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस, उसको स्टडी करना, उसको पकड़ना और उसको मेन मेमोरी के लिए फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना, दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सही बात है? यस। सेकेंडली, मेन मेमोरी की जो पूरी की पूरी मेमोरी है उसका सिंगल पॉइंट अथॉरिटी कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन कहां पे रहने वाला है, किसका डेटा कहां पर होगा, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सर ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होंगी। सही बात है? यस यस। तो अब मैं अप्रोच बाय अप्रोच डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान से बात करूंगा। तो सबसे पहले आपसे दो बड़ी अप्रोचेस की बात करता हूँ सर। एक अप्रोच है जिसको बोलते हैं कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन और दूसरी अप्रोच है जिसको बोलते हैं नॉन कंटिग्यूस एलोकेशन। बताओ जरा कौन कौन सा? कंटिग्यूस एलोकेशन एंड नॉन कंटिग्यूस एलोकेशन। पहले समझिएगा इस क्लास का क्या मतलब है। जी हाँ, ये क्लास तो बिल्कुल आप अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज ये हमने नया सेक्शन स्टार्ट किया है। पहले हमने बात की थी क्या पढ़ा है भाई हमने, प्रोसेस मैनेजमेंट की, तो ये नई अप्रोच है, आप शुरू कर सकते हैं, डोंट वरी। गेट में कौन सा स्लॉट बुक करना चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये वही बात है, कौन सा बैट्समैन कौन सी पिच पे चलेगा, किसका नंबर कब आएगा, फर्स्ट डाउन खेले, सेकंड डाउन खेले, जिसको खेलना है वो खेलेगा, जिसको आउट होना है वो आउट होगा, isn't it? सर आपको दिल से थैंक्स है, मैं आपको एचएल के कहने पे एग्जाम देने गया, 100 टिक में से 90 प्लस एक्यूरेट किए, आपके नोट से सीधे पॉइंट पूछ लिए, बहुत इजी था, थैंक्स दिल से। आप एचएल का एग्जाम देने गए, चलिए बाद में एक आध हेलीकॉप्टर मेरे घर भिजवा दीजिएगा, और क्या बोलूंगा, आपने मेरा मन भर दिया। ओके चलिए, तभी बात कर रहा हूं कंटिग्यूस एलोकेशन की और नॉन कंटिग्यूस एलोकेशन की। चलिए जरा पॉइंट बाय पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं। कंटिग्यूस एलोकेशन का मतलब क्या है? देखिए, मेमोरी मेरे पास मान लीजिए मेन मेमोरी है, तो कंटिग्यूस एलोकेशन का मतलब होगा, पहले दो आइडियाज मैं आपको लगाता हूँ, बल्कि इसका नाम बदल देता हूँ सर, इसका नाम मेन मेमोरी से कर देता हूँ सेकेंडरी मेमोरी, और इसका नाम कर देता हूँ मेन मेमोरी,
सेकेंडरी की तुलना में मेन मेमोरी बड़ा होगा कि छोटा होगा? सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में मेन मेमोरी सर बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा, ये तो फैक्ट है। ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ, तो अब मैं सब बोल रहा हूँ कि जब मैं डेटा ट्रांसफर करूंगा सर सेकेंडरी से मेमोरी में, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है पिकाचू। इस प्रोसेस का नाम है पिकाचू प्रोसेस, नहीं पी नॉट नहीं, पिकाचू है इसका नाम। तो इस प्रोसेस का नाम है सर पिकाचू। तो पिकाचू को जब लोड करेंगे तो पूरा लोड करना पड़ेगा या पार्शियल लोडिंग कर सकते हैं? एक सवाल पूछ रहा हूं। कंटिग्यूअस एलोकेशन पॉलिसी कहती है, कंटिग्यूअस एलोकेशन पॉलिसी कहती है कि पूरा का पूरा लोड करना पड़ेगा, पार्शियल लोडिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, ये बात याद रखेंगे। अच्छा, नॉन कंटिग्यूअस क्या कहती है इसकी अभी बात ही नहीं करता, क्यों बेकार कहानी को कॉम्प्लिकेट करना isn't it? क्योंकि पहले हम किसकी बात करेंगे सर, पहले बात करेंगे कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन की, है ना। तो पहली रेस्ट्रिक्शन जो कंटिग्यूअस एलोकेशन आप पे लगाएगा वो बोलेगा कि प्रोसेस को पूरा का पूरा लोड करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पिकाचू प्रोसेस को जब हम मेन मेमोरी में रखेंगे सर, तो उसको एक जगह ही रखना होगा या उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं? ऐसा बोल सकते हैं थोड़ा जगह इधर एडजस्ट कर लो, थोड़ा जगह इधर एडजस्ट कर लो, एक ही जगह रखना होगा। इट इज लाइक, मैं हमेशा जो एग्जाम्पल बोलता हूँ, मेरे एग्जाम्पल बाद में आपको याद रह जाता है कभी कभी, तो इसको हमेशा कैसे याद रखना है कंटिग्यूअस एलोकेशन को। इट इज लाइक अ फैमिली गोइंग फॉर अ डिनर। अगर कोई फैमिली एक डिनर के लिए जा रही है तो क्या करना है मुझे बताइए? क्या उसको अलग अलग जगह स्पेस दे सकते हैं? दो लोग इस टेबल पे बिठाए, दो लोग उस टेबल पे बिठाए, नहीं, मजा नहीं आता, है ना। ये देखिए, ये सिंगल फैमिली है, ये माता पिता है, तो ये लोग जब डिनर करने जाएंगे, द बिग सीएन सी सासन फैमिली, तो जब ये डिनर करने जाएंगे सर, तो इन सबको तो एक ही जगह स्पेस चाहिएगा, यस और नो? और ये बोल रहा है कि दे आर एक्सपेक्टिंग 17th चिल्ड्रन। पुरानी पीपीटी अभी तक तो 17th हो गया होगा, 18th एक्सपेक्टिंग होगा। ये हो गया, इसमें 6-7 महीना हो गया मुझे पिक्चर ऐड किए, यू नो चीजें इम्प्रूव होती रहती है। बट खैर, अब ये जब सर जाएंगे तो इनको खाना एक साथ आप खिलाने बैठेंगे, अलग अलग जगह रख देंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक बात है, तो उसको हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर फैमिली डिनर करने जा रही है तो उनको एक ही जगह स्पेस चाहिए। तो बताइए दो रेस्ट्रिक्शन कौन कौन सी है? पहला तो पूरा का पूरा लोड करना पड़ेगा, यस और नो? पहले पूरा प्रोसेस लोड करना है, दूसरी बार मेन मेमोरी में एक साथ स्टोर करना है। अगर ये दोनों रेस्ट्रिक्शन कोई सिस्टम फॉलो करता है, कोई प्रोसेस फॉलो करता है, तो इसको बोलेंगे कंटिग्यूअस एलोकेशन पॉलिसी। क्या ये बात समझ आती है आपको? ठीक है, इसके थोड़े मैं डिटेल में चला जाता हूँ, शायद वैसे वो भी बात मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। वी नो दैट व्हेन अ प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड, इट मस्ट बी लोडेड टू मेन मेमोरी। क्या ये बात फैक्ट है या इसमें किसी को कोई आपत्ति है? अगर किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है तो उसको पहले मेन मेमोरी में लोड करना पड़ेगा, सेकेंडरी मेमोरी से कोई प्रोसेस डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, यस और नो? यस। और फर्दर मैं बोल रहा हूं सर अगले स्टेप में कि इस बात के दो इम्प्लीकेशंस हैं। पहला तो पार्शियल या कंप्लीट, उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में कंप्लीटली लोड करना पड़ेगा अगर ये कंटिग्यूअस एलोकेशन पॉलिसी है, और दूसरी बात मेन मेमोरी में भी कंटिग्यूअस फैशन में स्टोर करेंगे, यानी कि एक साथ स्टोर करेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या बात समझ आती है? ठीक है, हालांकि ऑब्वियसली सोचिए, हिस्टोरिकल बात कर रहा हूं, जब हमने मेमोरी मैनेजमेंट स्टार्ट ही किया होगा, शायद जो पहली कॉमन सेंस अप्रोच को यूज करेगा वो कंटिग्यूअस एलोकेशन होगा, isn't it? तो मैं बस आपको एक हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव दे रहा हूं इस बात को समझाने के लिए कि सर कंटिग्यूअस एलोकेशन हम डिस्कस जरूर कर रहे हैं, बट आज आपके और मेरे कंप्यूटर मोबाइल फोन जो है, क्या वो भी कंटिग्यूअस पॉलिसी सपोर्ट करते हैं? ना 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 ना, है ना। तो हमारे सिस्टम बहुत एडवांस है, मेमोरी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो अभी कंटिग्यूअस एलोकेशन नहीं। लेकिन ऑब्वियसली जब तक आप
कॉन्टिग्यूस पढ़ेंगे नहीं तब तक नॉन कॉन्टिग्यूस भी समझ नहीं आएगा। फॉलो कर पा रहे इस बात को? जब तक कॉन्टिग्यूस नहीं पढ़ेंगे सर तब तक नॉन कॉन्टिग्यूस भी समझ नहीं आएगा। और अगेन हम जब बात करते हैं कंप्यूटर की, हमें लगता है हमारे मोबाइल फोन लैपटॉप यही कंप्यूटर है। आज भी कुछ सिस्टम इतने सिंपल नेचर के हो सकते हैं जो शायद कंटिन्यूअस एलोकेशन फॉलो करते हो, है ना? तो इसीलिए कहानी का पूरा पर्सपेक्टिव समझना जरूरी है। अच्छा, अब दो प्रॉब्लम्स हैं, मैं पहले बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूं। जो पहली प्रॉब्लम है सर वो है एड्रेस ट्रांसलेशन। जैसे जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास, ये देखिए ये मेरे पास एक डिजिटल वॉच है, आपको पता है इसके अंदर भी एक छोटा सा प्रोसेसर होगा, क्या इसे कंप्यूटर कहना ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक बात है ना? तो क्या हो सकता है इसकी मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए कंटिन्यूस मेमोरी मैनेजमेंट सफिशियंट हो? सोचो आप भाई, हर जगह दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, इतने सारे डेडिकेटेड डिवाइस आपके पास है, लेके माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, घड़ी, कैलकुलेटर, बीपी मशीन, कुछ भी है, देयर कुड बी हंड्रेड ऑफ मशीन्स व्हिच मे स्टिल आल्सो स्टिल फॉलोस यू नो कंटिन्यूस एलोकेशन। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? वही मैं बोल रहा हूं, हर समय उसको कंप्यूटर मत मान के चले, जितनी मशीन है हमारे लिए हर मशीन कंप्यूटर है। यस यस, ठीक है सर, आगे बढ़ता हूं। तो यहां देखिए मैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सीपीयू ने जो जनरेट किया सर कौन सा एड्रेस है? सीपीयू ने जनरेट किया लॉजिकल एड्रेस, और ये है एमएमयू। एमएमयू स्टैंड्स फॉर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। वैसे मेमोरी मैनेजमेंट और कुछ नहीं, मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक मॉड्यूल है जो रिस्पॉन्सिबल है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए। किसमें है सर? हाउ टू कन्वर्ट, यस यस यस, हाउ टू कन्वर्ट अ लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। अब ये कन्वर्जन होगा कैसे सर, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लेते हैं। अभी थोड़ा टाइम में आप खुद ही समझेंगे कि वो इतना इंटरेस्टिंग आइडिया नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ मेमोरी लिखा हुआ है, बट आप समझ जाइए दिस इज मेन मेमोरी एंड दिस इज सेकेंडरी मेमोरी। अब लेट मी से सेकेंडरी मेमोरी में कोई प्रोसेस है, इसका नाम है P1 ही रखते हैं, चलिए इसका नाम है P1, और इसके अंदर इंस्ट्रक्शन नंबर 0, इंस्ट्रक्शन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अप टिल 99 तक। ओवरऑल कितनी इंस्ट्रक्शन है? ओवरऑल 100 है। अच्छा मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको, आगे जाके क्या हमें सेकेंडरी मेमोरी का भी डिस्कशन करना है? जी हाँ, लेकिन फिलहाल ये मान के चल रहे कि ये कंटिग्यूस है ना? तो मान लीजिए सीपीयू ने कहा कि मेरे को इंस्ट्रक्शन नंबर 42 रन करना है। गौर करिएगा, सीपीयू ने क्या बोला, मेरे को इंस्ट्रक्शन नंबर 42 रन करना है। मजे की बात क्या है, अभी तो शायद हमें ये पता भी नहीं है कि इंस्ट्रक्शन नंबर 42 तो छोड़ो, प्रोसेस नंबर P1 मेन मेमोरी में है भी कि नहीं, यस और नो? तो यहां से ऐसा समझिए, अपन जाएंगे रिलोकेशन रजिस्टर के पास। अगर कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है और कोई प्रोसेस रन होना चालू होता है तो अपन क्या करते हैं, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड करेंगे। सही बात है, मान लीजिए इधर कहीं जगह मिली, इधर कहीं जगह मिली मेन मेमोरी में रन करने का, और यहां पर जो बेस एड्रेस मिला सर वो मिला 12,000। क्या बेस एड्रेस मिला? 12,000। अब आपको चाहिए 42, तो क्या ये समझने में ज्यादा समय लगेगा कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है सर अब वो 12,042 पर होगी? समझ रहे, तो रिलेटिव बात हुई ना, आप मुझे बेस एड्रेस बता दीजिए, आपके सिस्टम में आपकी रिलेटिव पोजीशन फिक्स है सर, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब हम यहां करेंगे क्या, एक अच्छा इस वैल्यू की, बिल्कुल बिल्कुल इस वैल्यू की जरूरत कभी कभी पड़ेगी या बार बार पड़ेगी कि हम कहां से कहां, कहां हमारा बेस वैल्यू, कहां हमारा बेस वैल्यू, बार बार पड़ेगी। तो कायदे से क्या होना चाहिए, वैसे तो यू नो पीसीबी, व्हाट इज पीसीबी? पीसीबी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो मेमोरी में क्या कहीं पर कोड के साथ पीसीबी भी होगा? हाँ, जिसके पास इस प्रोसेस का पूरा डेटा है और वो बता रहा है कि भाई साहब फिलहाल बेस एड्रेस जो है हमें जो मिला है वो 12,000 है। लेकिन क्या आपको सही लगेगा कि बार बार मेमोरी में जाएं ये 12,000 वैल्यू ढूंढ के लाएं? नहीं, जो डेटा बार बार चाहिए हो और सबसे ज्यादा बार चाहिए हो उसके लिए तो कैश भी नहीं सर, उसके लिए रजिस्टर होना चाहिए। यस और नो? कैश नहीं सर, रजिस्टर चाहिए, हर लोकेशन में एक्सेस होना है। बहुत खूब, बहुत शानदार।
तो सर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर बना लेते हैं जिसका नाम ही रख देते हैं रिलोकेशन रजिस्टर। नाम बताओ इसका क्या है? रिलोकेशन रजिस्टर। तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर बेस एड्रेस हमेशा के लिए फिट कर देंगे, रिलोकेशन बेस एड्रेस फिक्स कर देंगे। अब जैसे ही सीपीयू जनरेट करेगा कि मेरे को 42 नंबर इंस्ट्रक्शन चाहिए, अपन इसमें रिलोकेशन की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो सर फाइनल एड्रेस जब जनरेट होगा, इससे बाहर निकलेगा, तो वो 12,000 निकलेगा कि 12,042 निकलेगा? क्या इससे साधारण स्कीम कोई हो सकती है? हालांकि ये सब करना इतनी सरलता से इसीलिए संभव है क्योंकि कंटिग्यूअस एलोकेशन है, इजंट इट? कंटिग्यूअस एलोकेशन है। अगर मैं आपसे बोलूं एक एरे है जिसके अंदर 1 मिलियन एंट्रीज है, आपको क्या फर्क पड़ता है? एड्रेस एक्सेस फॉर्मूला निकालना है ना, फिर अगला चैप्टर अगला सब्जेक्ट वही पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर। मैं आपको बेस एड्रेस बताऊंगा, मैं आपको इंडेक्स बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा एक लोकेशन कितना लेता है, आप मुझे कैलकुलेट करके बता दोगे मिनट से पहले कि उस एड्रेस पर डेटा मिलेगा? नहीं करते क्या? बताओ, करते हैं ना सर? क्या लिंक लिस्ट में ये करना सर? भाई साहब विराट ज्यादा आगे चले गए, रो मेजर कॉलम मेजर की भी बात नहीं कर रहा, सिंपल वन डायमेंशनल एरे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेमोरी भी जो है वो सर वन डायमेंशनल एरे है। मेमोरी इज टू डायमेंशनल और वन डायमेंशनल? मेमोरी इज टू डायमेंशनल और वन डायमेंशनल? सर मेमोरी इज वन डायमेंशनल, मेमोरी इज वन डायमेंशनल। तो बहुत साधारण बहुत सिंपल बात है, तो मुझे बताइए बात समझ आ रही है क्या? एरे की अपनी खास बात है ना? इट्स लाइक पुराने पुराने चावल जो है उनकी कीमत क्या होती है, कम होती है ज्यादा होती है? कम होती है भाई, पुराने चावल स्टॉक में रखोगे उसकी कीमत ज्यादा होती है ना? उदाहरण तो मैं आपको और भी दे सकता हूँ, अभी ये तो मुझे देखिए ईमानदारी की बात है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, मुझे तो आप कोई भी चावल खिलाएंगे तो मुझे पता भी नहीं लगेगा कौन नया कौन पुराना है, बट शायद उसमें कुछ ठहराव आता होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जितनी पुरानी होती हैं उतनी उनकी कीमत बढ़ जाती है। वाइन, वाइन जो लोग यूज करते हैं, वाइन यूरोप में बहुत चलती है। हाँ, लिक्वर के बहुत सारे वैरायटी, जितना पुराना होता है उतना ज्यादा वो, मुझे पता नहीं क्या, लेकिन उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है। और ऐसी क्या चीज है? अचार, सही बात है, इतने साल पुराना अचार और अगर खराब नहीं हुआ तो इस बात के मायने है कि वो बहुत अच्छा है। लेकिन विचार, विचार समय के साथ बदलाव होना जरूरी है, वरना वो सड़ जाते हैं। क्यों सुबीर, सही बात है ना? चलिए वेरी गुड। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, ये खैर यहाँ पे ये पैटर्न हम पहले यूज किया करते थे, बट आपको समझ आ रहा है पूरा ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है? पूरा ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है? अच्छा, ये अच्छा है कि बुरा है, ये अच्छा है कि बुरा है, इस बात के कोई मायने नहीं है। कब तक? जब तक हम दो चार पॉलिसी और ना पढ़ लें भाई, उसके रेस्पेक्ट में तो मैं तुलना करूं ना, है ना? एक छोटा सा बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा, उसको आटा सूजी नमक में मिला के दे रहे, खा रहा है वो फीका फीका, ना उसमें नमक है ना मिर्ची है ना मजा है, बस ठीक है, उसको पता नहीं जीवन के मजे क्या है। एक दिन चाची ने ताई ने किसी ने जो गलती से उसको कुछ चटा दिया, मैगी चटा दिया, पिज्जा चटा दिया, बस फिर देखो फिर वो आथू करता है, ये क्या खिला रहे हो? इस तरह से क्या मुझे प्रोसेस का स्टार्टिंग एड्रेस बेस एड्रेस से कंपेयर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ऐड करते समय मेन मेमोरी की रेंज से बाहर चला जाए? इसकी बात मैं आगे करूंगा, अभी आगे करूंगा, जो इस तरह के साइंटिस्ट लेवल क्वेश्चन है। अब ये पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो जस्ट मैंने बेसिक बात की है, ठीक है सर? तो यहां देखिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। मान लो सेकेंडरी मेमोरी का टाइम है 100 माइक्रोसेकेंड, कितना टाइम है बताओ? 100 माइक्रोसेकेंड, ठीक है? तो मेन मेमोरी का टाइम 5 माइक्रोसेकेंड मान लो, यार बड़ी फास्ट होगी ना भाई, मेन मेमोरी इज 5 माइक्रोसेकेंड, एंड विद योर परमिशन रजिस्टर विल टेक 1 माइक्रोसेकेंड, शायद उससे भी कम, बट हमारे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए इतना काफी होगा,
ठीक है, तो बस मैं आपसे एक आइडिया कंप्लीट कराना चाह रहा हूँ सर, इस ट्रांसलेशन में और ट्रांसलेशन के बाद एक्सेस करने में टोटल कितना समय लगा? पहले 1 माइक्रोसेकेंड से आपको क्या पता लगेगा एक्चुअल एड्रेस ट्रांसलेशन की कॉस्ट, प्लस 5 माइक्रोसेकेंड, तो टोटल खर्चा हो गया 6 माइक्रोसेकेंड, जो एक हद तक जस्टिफाइड है, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को? क्योंकि मैं बस इस बात को आपको समझाना चाह रहा हूं सर, अगर ये मैं रिलोकेशन रजिस्टर ना लगाऊं तो आपको 5 माइक्रोसेकंड का खर्च और करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेन मेमोरी में जाएंगे, बेस एड्रेस पता करके लाएंगे, तब एडिशन करेंगे, तब रियल एड्रेस मिलेगा। फॉलो कर पा रहे इस बात को? यस। लेकिन क्योंकि पूरी की पूरी प्रोसेस के लिए बेस एड्रेस सेम है, तो ये भर लिया वैल्यू। अच्छा मुझे बताओ, कॉन्टेक्स्ट स्विच आप पहले पढ़ चुके हो, जब कुछ समय के बाद P1 में कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा और P2 रन होना स्टार्ट होगा, तो भी क्या सेम रिलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू काम आएगी या उसका वैल्यू कुछ और होगा? सोचिए भाई, उसका वैल्यू कुछ और होगा, इजंट इट? तो रजिस्टर में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, रजिस्टर से हटाओ, हो सकता है उसका बेस एड्रेस 5050 हो, तो यहाँ 5050 लिख दूंगा। आप तो मुझे एड्रेस जनरेट करते रहो, मैं प्लस करता रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। क्या इतनी बात समझ आती है? साफ सुंदर टिकाऊ मेथड है, हालांकि आजकल ऑब्वियसली कोई यूज नहीं कर रहा है, बट ये एक बेसिक आइडिया है। अब जरा देखिए ऐसा करने का एडवांटेज क्या है। इजी स्ट्रेटेजी, सिंपल टू यूज, सिंपल टू अंडरस्टैंड, बात खत्म। यस। अच्छा अब यहां देखिए लिमिट और रेंज की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये प्रोसेस है P1, और P1 के मैं सिंग बना देता हूं, तब इमेजिन कर सकते हैं P1 नॉर्मल प्रोसेस है या शैतान प्रोसेस है। P1 को सर ये गेम पता लग गया है, P1 डेविल बन गया है, उसको गेम पता लग गया कि अच्छा ये क्या गेम खेल रहा है, जैसे अभी चिराग पूछ रहा था। अब एक बात आप समझिए, अगर P1 के पास टोटल 100 इंस्ट्रक्शन है, तो लॉजिकल एड्रेस की रेंज क्या है सर? लॉजिकल एड्रेस की जेन्युइन रेंज क्या है? रेंज है 0 से लेके 99 तक, जो इंस्ट्रक्शन नंबर है, सही बात है ना? और फिर मैं ऐड कर रहा हूं। अब मान लीजिए सीपीयू ने बोला या इसने बोला सीपीयू से कि भाई साहब मुझे एक काम करो, मुझे इंस्ट्रक्शन नंबर 142 चलाना है, 42 नहीं 142। अब बताओ क्या होगा? ये तो जाएगा 142 में 12,000 ऐड करेगा, तो फाइनल जो एड्रेस जनरेट होगा सर वो हो जाएगा 12,142। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। और फिर बहुत आराम से ये मेमोरी के उस पार्ट को एक्सेस कर पाएगा जिस पार्ट की को एक्सेस करने की अथॉरिटी इसके पास नहीं है। ये मेमोरी के उस पार्ट को एक्सेस कर पाएगा जिस पार्ट को एक्सेस करने की अथॉरिटी इसके पास नहीं है। यस और नो? यस। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर खुद ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड लिखा हो सकता है, हो सकता है। अगर कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड इसके हाथ लग गया और इसने जाके सिस्टम का कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया सर, तो फिर पूरे सिस्टम का ये मामला कर देगा गड़बड़। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? ओके। तो ट्रांसलेशन तो आसान है, लेकिन आप आई थिंक ये बात फॉलो कर पा रहे हैं, ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है, क्योंकि यहां पर ऐसा हो सकता है। अगीरा कह रहे हैं सेग फॉल्ट, सेग फॉल्ट मतलब ये क्या होता है? सेगमेंटेशन फॉल्ट। मैंने आपको भी माफ किया, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मैंने लाइव क्लास, एक स्पेशल क्लास ली थी जिसमें अगीरा आए थे और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो अगीरा का अच्छा इंप्रेशन मेरे ऊपर है, और वैसे भी शाम का समय है तो फिलहाल मेरा मन अच्छा है, इसलिए मैं माफ करता हूँ, वरना इस तरह की के लिए अभी मैं आपको ऑडियो पे बुला लेता। फिर वो बात देखो समझो, चाहे सेगमेंटेशन फॉल्ट है, अभी ये सब टर्म मत यूज करो, फिर मैं पूछ लूंगा सेगमेंटेशन क्या होता है, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो रुको जरा, है ना? अभी ऐसे ये मान लीजिए पहली बार नासा का रॉकेट आपको पढ़ा रहा है कि देखो ये ऐसे करता है, ऐसा करता है, ऐसे जा रहा है, कह रहा है अच्छा कौन से गियर में, फिर झंड हो जाएगी अपनी। अबे अभी तुम्हें कुछ नहीं पता उस रॉकेट में क्या हो रहा है, गियर का क्या मतलब है, रुको थोड़ा अभी। ठीक है, ओके, चलिए सर, तो ये बात समझ आ गई, आपको मसला हो सकता है। चलिए इस मसले का समाधान देखिए, यहां पर
अपन एक लिमिट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? लिमिट। अब जैसे रिलोकेशन रजिस्टर है वैसे एक लिमिट रजिस्टर भी होगा, और लिमिट रजिस्टर क्या बताएगा? फिर वही बात बड़ी सिंपल, लिमिट रजिस्टर आपको आपकी लिमिट बताएगा सर। तो जैसा हमारा एग्जांपल, ऐसे में एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे एग्जांपल में सीपीयू की जो लॉजिकल जेन्युइन लिमिट है वो है 0 से 99 तक, है ना? अच्छा, वो अलग इंडेक्स की बात है, क्योंकि यहाँ लेस देन किया है, वो डिपेंडिंग ऑन द आइडिया आप कहाँ से इंडेक्सिंग कर रहे हो। अपन 0 से कर रहे हैं तो अपन इक्वल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लेस देन इक्वल लगा लो। अब समझो इस बात को, अगर इसने जनरेट किया अगेन दोबारा 142, तो लिमिट वाले को तो पता है क्या? अच्छा, मैंने 0 से स्टार्ट किया ना, इसे लेस देन ही रहने देता हूँ। 99 तक जेन्युइन है, तो मैं काम करता हूँ इसके अकॉर्डिंग लिमिट लिख देता हूँ 100। लिख दो लिमिट 100। अब आप मुझे बताओ 99 तक की रेंज वैलिड है कि इनवैलिड है? 99 तक की रेंज वैलिड है, वैलिड है। तो जब ये जनरेट करेगा 42, जब ये जनरेट करेगा 42, 42 इज लेस देन 100, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास हो जाएगा। आप चले जाओगे अगले स्टेज में, बेस वैल्यू मिलेगी 12,000, 12,000 प्लस 42, फिजिकल एड्रेस मिलेगा 12,042, आप जाके बहुत आराम से मेमोरी एक्सेस कर लोगे। यस, लेकिन जैसे ही आप जनरेट करोगे 142 और लिमिट थी 100, 142 इज लेस देन 1400, ये हो जाएगा गड़बड़ और आपको ले जा जाएगा ट्रैप। अब ये ट्रैप जो है, क्या ये इंटरप्ट की तरह कोई साधारण बात है? कुछ लोग समझते हैं कि ये इंटरप्ट की तरह साधारण बात है। नहीं सर, आप सिस्टम में एक इलीगल काम करते हुए पकड़े गए हो। क्या काम करते हुए? इनलीगल। हाँ, तो अब यहां पे सर मिलता है टोटल इंडिपेंडेंस। टोटल इंडिपेंडेंस इसको दिया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक अंधेरी कोठरी में लेके जाएगा, बस समझ जाइए बाप, है ना? तो क्या ऐसा करने से अब जो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी पुराने केस में, वो प्रॉब्लम से मैं बच पाऊंगा सर? इसकी भी मैं पूर्ण स्वराज की मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। ये शब्द मैं बहुत इस्तेमाल करता हूं, बट इसकी रियल स्टोरी क्या है, अगर वो आपको पता लगा तो बस आपके तो मजे ही आ जाने, जीवन बन जाएगा आपका। वो बताऊंगा अभी बाद में। 100 एड जनरेट किया, तो 100 एड्रेस जनरेट किया, तो सर 100 इज लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन फॉल्स होगी, पकड़ लेंगे आपको सुदीप, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अभी वैलिड रेंज 0 से 99 मान के चल रहे हैं ना, तो 100 इज नॉट अ वैलिड रेंज। अच्छा, 142 कैसे जनरेट करेगा? इलीगल अटेम्प्ट करेगा। क्या सिस्टम में सारी प्रोसेस जेन्युइन काम करने के लिए आती है सर? नहीं, द मोमेंट यू अटैच योर सिस्टम विद व्हाट, विद इंटरनेट, आपको कुछ नहीं पता कहाँ क्या कहानी हो रही है। फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं? आपने पेन ड्राइव लगाया, आपने कुछ भी लगाया, वो अलग लेवल पे चल रहा होता है, ठीक है? तो अच्छा, एक और बात, एक बात आप ध्यान देंगे, ऐसा करके मैं अपर रेंज चेक कर रहा हूं, क्या मैं लोअर रेंज रेंज भी चेक कर रहा हूं? नहीं, इन मोस्ट ऑफ द सिस्टम सर इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि 99.99% ऑफ द टाइम एड्रेस के लिए क्या नेगेटिव वैल्यू यूज की जाती है? नहीं। तो अगर कोई -500 एड्रेस जनरेट करेगा, उसका वैसे कोई सेंस नहीं बनता, तो एड्रेस के लिए हम पॉजिटिव नंबर, अनसाइंड नंबर ही यूज करते हैं। तो अपर की प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम हम यहां से पकड़ लेंगे। इस बात को अच्छे से समझाने के लिए, इस बात को अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक एग्जाम्पल से कोशिश करता हूं सर। एक बार ट्रैप और इंटरप्ट के बारे में बता सकते हैं? नहीं, अभी नहीं बता सकता, अभी कोई जरूरत नहीं है, आगे समझेंगे इस बात को। ट्रैप और इंटरप्ट में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए जरा इस एग्जाम्पल से समझते हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। देखिए,
कंसीडर द फॉलोइंग टेबल ऑफ रिलोकेशन एंड लिमिट रजिस्टर विद द इलीगल अटेम्प्ट्स एंड इफ वैलिड फाइंड द फिजिकल एड्रेस। तो जाहिर सी बात है इसकी ग्रामर पढ़ के समझ जाइए कि मैंने खुद ही लिखा ये क्वेश्चन। पी नॉट प्रोसेस कहता है कि मेरा जो लिमिट रजिस्टर है उसका लिमिट है 500 और रिलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू है 1200। और पहला रिक्वेस्ट देखिए, प्रोसेस कह रहा है 450 एक्सेस करना चाहता है। तो आपको समझ पा रहे हैं अब क्या होगा स्टेप नंबर वन में, क्या 450 500 से कम है? हाँ है, चलेगा सर, चलेगा। तो इसका मतलब ये वैलिड, ये लीगल एक्सेस करना चाह रहा है कि इलीगल एक्सेस करना चाह रहा है? सर ये लीगल एक्सेस करना चाह रहा है ना। अभी लीगल एक्सेस करेगा तो फिर तो रिलोकेशन ऐड होना चाहिए, तो 450 प्लस 1200 ऊपर से मिलेगा बेस, तो जो मेरा फाइनल फिजिकल लेटर जनरेट होगा दैट विल बी 1650। ये बात समझ आ रही है क्या? ओके, नेक्स्ट अटेम्प्ट बताएंगे 300 वाला। रिक्वेस्ट कर रहा है 300, लिमिट है भाई की 275। कैसे चलेगा सर? इम्पॉसिबल है। मांग रहा है 300, यू नो लिमिट है, यही इसको ट्रैप करके टोटल इंडिपेंडेंस, अंधेरी गली में इसको ले जाएंगे, टोटल इंडिपेंडेंस। ओके, 210 मांग रहा है लिमिट, 212 है, बाल बाल ये बचा है, बहुत क्लोज बट लीगल रेफरेंस है, तो आपको चाहिए 210। आपका बेस एड्रेस है 880, तो फाइनल वैलिड रेजिडेंस जो जनरेट होगा सर वो हो जाएगा 1090। रिक्वेस्ट कर रहा है 450 और लिमिट है 420, जिसका नाम ही 420 है, जिसका नाम ही 420 है सर, उसे तो 420 ही करनी ही थी, इसको यही ट्रैप कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये बात पता है कि 420 का मतलब 420 क्यों होता है? Why 420 is considered as, you know, 420 है ये आदमी। Yes, yes, very good. सबसे पहले किसने जवाब दिया भाई? ये कितने केस चल रहे हैं आप लोगों के ऊपर, सबको पता है। ओके, तो धोखाधड़ी की, फ्रॉड करने का जो जुर्म है आईपीसी का सेक्शन 420 लगता सर, 420। तो वहां से नाम पॉपुलर होते थे, आम बोलबाल की भाषा में यूज करने लगा 420 420। चलिए बहुत बढ़िया, आखिरी रेफरेंस पे गौर करिए चाची, 420 आखिरी रेफरेंस यूज करिए। 80 मांग रहा है, रेंज है 180 की, चलेगा चलेगा, कोई टेंशन नहीं। तो 80 प्लस 200 फाइनल एड्रेस हो जाएगा 280। कैन गो अहेड, बताइए जरा पैटर्न के हिसाब से, आइडिया के हिसाब से फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके, तो अब मैं एक बात आपको याद दिला देता हूं, ये जो भी हमने एड्रेस ट्रांसलेशन किया, ये एड्रेस ट्रांसलेशन कंटिग्यूस है कि नॉन कंटिग्यूस है? ये एड्रेस ट्रांसलेशन कंटिग्यूस है। कंटिग्यूस के अंदर भी मुझे दो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एक प्रॉब्लम है स्पेस एलोकेशन की, एक है एड्रेस ट्रांसलेशन की। क्या अभी मैंने आपको इस किसी बात का कोई जवाब दिया कि डेटा कैसे स्टोर करेंगे, कौन रिक्वेस्ट करेगा, क्या एल्गोरिथम होगा? नहीं। तो अभी मैं स्पेस एलोकेशन स्कीम की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं सिर्फ एड्रेस ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं। ये बात समझ आती है जी? अब यहां तक पहुंचने में अगर किसी किस्म का कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आपका स्वागत है, अब पूछिए आप। वेरी गुड, जिसको भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो, बहुत साइंटिफिक नहीं होना चाहिए वरना फिर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप रिटन क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, टोटल स्वतंत्रता है आपको। राइट फिगर डिस्कस नहीं किए, इसमें क्या डिस्कस करना है भाई? अब ऐसा मुझे खुद ही समझना पड़ेगा मैं क्या लिखा हूं, एक मिनट रुकिएगा। हेलो,
हाँ राइट फिगर क्या है भाई, ये कह रहा है कि रिलोकेशन वैल्यू आर है, अगर लोकेशन, अगर लॉजिकल लेटर जीरो जनरेट होगा तो फिजिकल लेटर जीरो प्लस आर हो जाएगा। आप मैक्सिमम बोलेंगे मैक्स प्लस आर, मिनिमम बोलेंगे मिन प्लस आर, इसमें क्या है? ये सिर्फ यही बता रहा है, पता नहीं वैसे मैंने ये टेबल भी क्यों बना दिया, लॉजिकल लेटर्स प्लस वैल्यू ऑफ रिलोकेशन इज द फिजिकल लेटर्स, बस यही बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा सौरभ कह रहे हैं सर एट फर्स्ट टाइम व्हेन अ प्रोसेस इज कॉल्ड दैट टाइम पीसीबी कॉल्ड दैट टाइम टू पीसीबी वन टाइम, मेरी तो बिल्कुल मेरी वाली इंग्लिश लिखी है, सुभान अल्लाह, रुको मैं दोबारा पढ़ता हूँ, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सर एट फर्स्ट टाइम व्हेन अ प्रोसेस इज कॉल्ड दैट टाइम टू पीसीबी वन टाइम एक्सेस होगा ना? हाँ वो एक्सेस होगा, लेकिन बेटा वो एक्सेस हम कॉन्टेक्स्ट स्विच में काउंट करेंगे, समझिए इस बात को। फर्स्ट टाइम जब कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा ना, और कॉन्टेक्स्ट स्विच होने का क्या मतलब है, पीसीबी के वैल्यू सीपीयू के रजिस्टर में लोड किए जाते हैं, यही पढ़ा है हमने, ये बात समझ आ रही है? हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जब एड्रेस ट्रांसलेशन करेंगे तब हम जाके एक्सेस करेंगे, नहीं, कॉन्टेक्स्ट स्विच का मतलब यही है ना। डिस्पैचर याद है आपको, डिस्पैचर, ये डिस्पैचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीसीबी से डेटा लेके सीपीयू के रजिस्टर में लोड कराना, तो अगर ये स्कीम आप यूज कर रहे हैं तो लिमिट और रिलोकेशन रजिस्टर में वही लोड करा के जाएगा, आपको नहीं एक्सेस करना पड़ेगा इस बार भी, डोंट वरी। सही बात, ठीक है। अगर हर एक इंस्ट्रक्शन का साइज इक्वल ना हो तो, अगर हर एक इंस्ट्रक्शन का साइज इक्वल ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्पेस का साइज हम सेम लेके चलेंगे। इस बात को आप ऐसे समझिए, मैं तो 100-100 स्क्वायर फिट के ही प्लॉट काट रहा हूं, आपको अगर मकान कम बनाना है पीछे गार्डन छोड़ दीजिएगा, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं जो स्पेस दूंगा सर, मैं सेम साइज का स्पेस दूंगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अरे भाई बड़े स्पेस में छोटा डेटा तो रख सकते हैं ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सिस्टम में आपको इस तरह की सिमेट्री मेंटेन करनी पड़ेगी, वरना मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस में मेन मेमोरी लोड कर रहे हैं और मेन मेमोरी, सर ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड कर रहा हूं और मेन मेमोरी का साइज बड़ा हो? ऐसा नहीं हो सकता। कंटिगस एलोकेशन कहता है कि वही प्रोसेस रन होने का अधिकार रखेगी जो प्रोसेस पूरा लोड हो सकेगी। तो इसका मतलब ये, जब हम कंटिगस मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं, वहां पर क्या कोई ऐसी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है जिसका साइज मेन मेमोरी के साइज से ज्यादा हो? नहीं हो सकती, कैसे हो जाएगी बताओ? और पूरी मेमोरी भी आपके लिए थोड़ी है भैया, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी जगह लेगा, कुछ और प्रोसेस, सिस्टम प्रोसेस चलेंगी, तो ये एक लिमिटेशन है, समझ पा रहे हैं इस बात को? तो हालांकि आजकल के टाइम पे आप ऐसा कर सकते हो क्या? नॉट एट ऑल्सो इज अप्रूव कि आपके सिस्टम में कंटिन्यूस पॉलिसी नहीं है, बिकॉज राइट नाउ इफ यू वॉन्ट, इफ अ प्रोसेस इज वेरी लार्ज, इवन लार्जर देन द साइज ऑफ द मेन मेमोरी, नो प्रॉब्लम, आप उसको पार्शियल लोड करोगे, रन कराओगे, बाहर भेज दोगे, है ना। लेकिन इधर ऐसा नहीं है सर, आप वही प्रोसेस रन कर पाएंगे जिसका साइज मेन मेमोरी के साइज से कम होगा। इंस्ट्रक्शन एक फ्रेम से बड़ा हुआ तो दो फ्रेम लगेगा। शिवम आप एक बार ऑडियो पे आ जाओ, मैं समझना चाहता हूं कि फ्रेम क्या होता है, व्हाट इज फ्रेम? हेलो हेलो हेलो, सर, आवाज आ रही है? आ रही आ रही है, बताइए बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? सर, जैसे आप बोले कि मैं तो 100-100 फीट के ही प्लॉट काट रहा हूँ, तो अगर कोई इंस्ट्रक्शन साइज 120 का हुआ तो सर उसके लिए फिर दो एड्रेस लगेंगे क्या? हाँ यही था मतलब। और सर जैसे कि इसको फ्रेम का एक ही बोल रहे हो, इंस्ट्रक्शन, एक सेकेंड, ये तो साइज यस ऑफ सर, इंस्ट्रक्शन हुआ ना, ये फ्रेम थोड़ी हुआ।
नहीं, फ्रेम तो है वो, अगर अपन मेन मेमोरी को जिसमें डिवाइड करते हैं तो इसको नाम फ्रेम होता है ना। हाँ तो वही मैं समझा रहा हूँ बेटा, वो फ्रेम ये फ्रेम नहीं है, ये जो आप बात कर रहे हैं लोकेशन की बात कर रहे हैं। पुराना जी ज्ञान कहीं भी फिट कर देंगे फिर बम फूट जाएगा बाद में, फिर जब मैं फ्रेम पढ़ाऊंगा आपका कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। आपकी जो मेमोरी है उसको आप लोकेशंस में डिवाइड करते हैं कि नहीं करते? हाँ सर, मैं इस लोकेशन की बात कर रहा हूं, बाद में बहुत सारी लोकेशन मिलके एक फ्रेम बनाएंगे वो एक अलग बात है, ये फ्रेम अच्छा नहीं है, ये लोकेशन है, ये लोकेशन सर, है ना। अब अगर मैं हाँ पार्किंग की जगह आपको दे रहा हूं और वो वहां एक पार्किंग में गाड़ी आ सकती है, अब आप ट्रक खड़ा करना चाहते हैं, दो जगह ले लीजिए, और क्या कर सकते हैं इसका, और कोई समाधान तो है नहीं इस तरह हाँ से। सर, जी अब बस बताइए। एक है भाई, जय सर, डाउट थोड़ी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। और कोई डाउट है भाई साहब? किसी को मजेदार डाउट नहीं आ रहे, मुझे आगे बढ़ने का मन हो रहा है। ये बहुत फंडामेंटल आइडिया है। ठीक है सर, आगे बढ़ता हूं। और अब मैं पहले बात करूंगा, अभी मैं सुनाऊंगा, अभी मैं बात करूंगा किसकी, मैं बात करूंगा स्पेस एलोकेशन की। तो स्पेस एलोकेशन की क्या पॉलिसी है और किस तरह से वो काम करता है, इस पे ध्यान देंगे, मजा आ जाएगा आपको। पहले इस बात को समझिएगा, देखिए किसी भी जगह जब हम स्पेस एलोकेशन की बात करते हैं तो दो तरह के स्कीम हो सकते हैं। एक स्कीम हो सकता है कि जो आदमी उस स्पेस को मैनेज कर रहा है वो अपना दिमाग लगाए और कुछ रूल्स रेगुलेशंस लगा दे, उन रेगुलेशंस के हिसाब से वो स्पेस मैनेज हो, एक आइडिया ऐसा हो सकता है। अभी मैं एग्जांपल लेके बात करूंगा तब बेटर तरह से समझ पाएंगे। जबकि कुछ जगह अथॉरिटी अपने हिसाब से डिसाइड नहीं करती और डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड, इस तरह से चीजें खुद में खुद हैंडल हो रही होती हैं। अब इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप कौन से शहर से हैं, कोई भी एक बच्चा कमेंट करके बताओ। दिल्ली नहीं चाहिए, आई डोंट लाइक दिल्ली। दिल्ली के बाद किसने क्या लिखा, क्या बात कर रहे हो, तो अखंड भारत बैठा हुआ है, सूरत, थाने, वाराणसी, अहमदाबाद, पाली। पाली तो दिल्ली के पास है, आई लाइक पाली। ये किस पाली की बात हो रही है मुझे बताइए, सोलोनी। पाली राजस्थान में है ना, बहुत दूर नहीं है। यस, पाली का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है तो मैं पाली से ही बात करूंगा। पाली का एहसान क्यों बता देता हूँ आपको जल्दी से, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कई बार ऐसा बात होती है, रेत और डस्ट और पत्थर का चूरा जो आता है वो कहता है पाली से आ रही है गाड़ी, मेरे को याद है, ट्रक पाली से आता है। मुझे पता नहीं आपको पता होगा, वहां बहुत सारे क्रशर वगैरह होंगे जहां पुराना पत्थर ये सब चलता होगा। चलिए, तो मेरे घर में पाली की मिट्टी लगी है मान लीजिए आप, ठीक है। चलिए, ये बात तो मजेदार हो गई। अब इसको जरा ऑब्जर्व करते हैं, इसको जरा ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, तो मान लीजिए पाली में गवर्नमेंट एक मार्केट डेवलप कर रही है ना, और उस मार्केट में बहुत सारी दुकानें बना रही, कमर्शियल स्पेस, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने हिसाब से, ऐसा बहुत सारे शहरों में आपने भी देखा होगा, सरकार एक मार्केट बनाती है, उसे डेवलप करती है उस जगह को, और फिर वो दुकानें बेच देती है लक्की ड्रॉ से या बोलियां लगा के ऑप्शन से, है ना। ठीक बात है, तब मुझे एक बात बताइए, एक दुकान का साइज क्या होगा, ये ग्राहक तय करेगा या बनाने वाला बिल्डर या गवर्नमेंट तय करेगी। अपार्टमेंट्स भी मान लीजिए, वो तो बनाने वाला तय करता है ना। अब मान लीजिए इन्होंने बोला कि भाई एक दुकान जो है वो 500 स्क्वायर फीट की एक दुकान होगी, 500 स्क्वायर फीट छोटा हो जाएगा, चलो 500 ही लेते हैं, छोटी छोटी दुकानें बना रहे हैं, 500 स्क्वायर फीट की एक शॉप हम बना रहे हैं, इस तरह से बहुत सारी शॉप्स हमने बनाई। कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कह रहा मेरे लिए बहुत कम जगह है, क्या ऑप्शन हो सकता है भाई, तो दो दुकान ले ले, तीन ले ले, चार ले ले लाइन से, ऐसा करते हैं ना लोग, आपने देखा होगा, चार दुकान लाइन से उसने खरीद लिया है, फिर उसको अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है। बट हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है, हम हर
शॉप को सेपरेट ट्रीट करेंगे, उससे हमारी मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगी। ठीक उसी तरह आप देखते हैं कभी कभी रेजिडेंशियल प्लॉट कटते हैं तो सोसाइटीज इतने अच्छे से मैनेज होती हैं कि फिट फिक्स है कि भाई यहाँ पे ये प्लॉट जो है 2000 स्क्वायर फिट का है, 4000 स्क्वायर फिट का है, आपको ज्यादा जगह चाहिए, आप 3-4 प्लॉट एक साथ लेके कुछ बना लो, समथिंग लाइक दिस। ये मैनेजमेंट हो सकती है, ये एक अप्रोच हुई है ना। इसमें किसकी हेडेक ज्यादा है, किसकी हेडेक कम है, इसमें हालांकि कुछ वेस्टेजेस भी हो सकते हैं, आगे जाके बात करूंगा। अभी एक दूसरी अप्रोच हो सकती है, वो जो भारत के ज्यादातर शहरों में यूज हो रही है आज भी, हर शहर के पुराने इलाकों में, जहां पर कोई अथॉरिटी को रूल है क्या? नहीं। जिसको जब जितनी जमीन मिली उसने बना दिया, उसने कि फिर किसी ने बेच दिया, फिर एक भाई ने कहा मैं अपना हिस्सा बेच रहा हूं, उसमें आधे हिस्से में दुकान बन गई, फिर उसमें दीवार बन गई, फिर उसके ऊपर कोर्ट केस हो गया, फिर किसी ने एक ईंट इधर से लगा दी, बवाल मचा हुआ है, नहीं पता कौन सी दुकान किसकी है। ये देखिए सर, ये मैं उसका एक फोटो लेके आया हूं आपको समझाने के लिए। पीछे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में आपको नया भारत भी दिख रहा होगा, यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी आपको नजर आ रहे होंगे जहां एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा, सब कुछ होगा। यहां आप देखिए है ना, तो अगर कोई नगर पालिका से आके यहाँ पे पूछ ले कि क्या पूछेगा, वह तो खैर आएगा ही नहीं, बट चलिए अगर भूल से आ भी गया, फायर सेफ्टी के क्या मेजर्स आप लोगों ने लिए हैं, घर में एंट्री के 2 दरवाजे कहां से हैं, रेत की बाल्टी कहां रखी है। कह रहा भाई आदमी के रखने की जगह नहीं तो रेत की बाल्टी कहां रखेगा, है ना। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं, ये सिस्टम कैसे मैनेज हुआ है सर, ये सिस्टम कैसे मैनेज हुआ है। प्रोसेस आ रहे जा रही है सब अपने, हाँ यानी कि अथॉरिटी की ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई यहां पे हस्तक्षेप है नहीं, ये अपने हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूं और इस बात को समझाता हूं, ठीक यही आइडिया सिस्टम में भी हो सकता है। एक अप्रोच हो सकता है ये वाला, और मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स कोट किए हैं। कभी आप किसी, मैंने उसका एग्जांपल यहां नहीं रखा, मेरी गलती है, कभी आपने किसी भंडारे वगैरह में खाना खाया है, मंदिर में, भंडारे में, लंगर में, इस टाइप से है ना, या कभी कहीं, अच्छा फ्री मिल रहा है, नहीं गुरुद्वारे में तो फिर भी एक डिसिप्लिन होता है, बैठ के नहीं, मान लीजिए कहीं हलवा चना बट रहा है लाइक दिस, तो वहां कोई अथॉरिटी कुछ रूल रेगुलेशन होता है, वहां भी क्या होता है, रैंडम तरीके से चीजें हैंडल हो रही होती है। हमें पहले पता होता था कि हमारे आसपास कोई भंडारा, वो जागरण होता है ना, जागरण पूरी रात वाला, तो अपन तो सुबह जाते थे 7 बजे, जब आरती का अपने को आ जाती कि भाई आरती हो रही है, तो अपन जाएंगे हलवा चना खाएंगे वापस आएंगे, पूरी रात फिर मेहनत कैसे करेंगे, समझ पा रहे हैं आप। तो सुबह कान लगा के बैठे हुए हैं, जैसे ही आरती की आवाज आई निकल लिए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर आप किसी प्रॉपर रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहां पर इस तरह का फिक्स पार्टीशन होगा या वहां भी केओस होगा। अच्छा यहां इस एग्जांपल से एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूं सर, इस एग्जांपल से एक चीज और समझाना चाहता हूं, वो ये कि क्या समझाऊं, ये समझाना। अच्छा ये चेयर आप देख रहे हो, डिपेंड करता है किस टेबल पर अच्छा खाना रखा है, जिधर अच्छा होगा इधर ये मुंह मोड़ लेगा, कहता इधर है तो इधर खा लूंगा, इधर है तो इधर खा लूंगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है सर। तो अब मुझे एक बात बताइए, आइडिया मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, क्या पार्टीशन करने का ये मतलब है कि सब पार्टीशन का साइज सेम होगा? नहीं। हालांकि आगे जाके इस बात पे मैं दोबारा बहस करूंगा, अगर हर पार्टीशन का साइज सेम होगा तो मैनेज करना आसान होगा या मुश्किल होगा? तो मैनेज करना आसान होगा भाई। अरे कब आप स्कूल में गए हैं, आप कॉलेज में गए हैं, कॉलेज में भी तो फिक्स साइज पार्टीशन होता है, क्या कमरे में कुछ फिक्स साइज की बेंचेस नहीं रख दी जाती? हाँ, लेकिन क्या हर बेंच का साइज सेम होता है? यस, क्योंकि उस तरह से चीजों को मैनेज करना आसान होता है आमतौर पे, है ना, ठीक है।
तो अब मैं दोबारा जाता हूँ एजेंडा के ऊपर। अभी तक तो मैंने कुछ बताया नहीं, सिर्फ आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। ओके ओके, नाउ लुक एट दिस। एक अप्रोच सर होती है वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। अब इसके नाम से समझिएगा, वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। इन दिस पॉलिसी वी ट्रीट द मेमोरी एज अ वन होल और अ सिंगल चंक व्हेनेवर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर सम स्पेस exactly the same space is allocated if possible and remaining space can be reused again। yani ke yahan par koi system manage karta hai ki nahi karta? nahi sir, jisne jitna bola exactly usko itna de diya, baat khatam। ab maan lijiye koi aake bole ki sir mere ko 450 square feet chahiye, bhai 500 lena hai le warna ja, ek approach to ye hui। lekin ye variable kya bolega to koi baat nahi bhai sahab, aap 450 le lo, apan kahin aur adjust kar lenge। हो सकता है ना ऐसा? यस यस यस, ठीक है। तो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में क्या सिस्टम अपना कोई रूल रेगुलेशन कोई अथॉरिटी लगाएगा? नहीं लगाएगा सर। आपको जैसा चाहिए जो चाहिए आप मैनेज कर सकते हैं। ये बात समझ आती है? अच्छा, ये अच्छा होगा बुरा होगा उस पर मैं बहस नहीं कर रहा, उस पर आगे हम बात करेंगे। एक दूसरी पॉलिसी होती है सर जिसको अपन बोलते हैं फिक्स साइज पार्टीशनिंग। फिक्स साइज पार्टीशनिंग, तो देखिए यहां पर पहले से क्या बोल रहा है, हियर द मेमोरी इज वी डिवाइड मेमोरी इनटू फिक्स साइज पार्टीशन व्हिच मे हैव डिफरेंट साइजेस। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या मैं फिक्स साइज पार्टीशन से आपका ये इस मतलब से जोड़ रहा हूं कि हर पार्टीशन का साइज सेम होगा? ना 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 ना, ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा। पार्टीशन के साइज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 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 पार्टीशन होंगे। और मान लीजिए ये पार्टीशन है 100 का, ये पार्टीशन है 80 का, ये पार्टीशन है 350 का। कोई आके कहता है मेरे को 310 चाहिए, भाई साहब 350 लेना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? उससे कम में नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए फिक्स साइज पार्टीशन, मैं आपको रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल बता रहा था। कभी कभी ऐसा हो सकता है आप रेस्टोरेंट में गए, आप अकेले हैं, अकेले हैं, लेकिन एक ही टेबल खाली है जो 10 साइज वाली है। अभी क्या करेंगे बताइए? भाई वैसे तो रेस्टोरेंट का जो मैनेजर होगा वो कोशिश करेगा कि आपको कम स्पेस वाला दे, यस और नो? यस। लेकिन फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, अब खाली पड़ा हुआ है तो आपको दे सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी आपकी। देखिए अभी फिलहाल सारी टेबल ऑक्यूपाइड थी तो ये आपको दे दी गई है। क्या कर सकते हैं? फिक्स साइज पार्टीशन है। अगर वेरिएबल साइज पार्टीशन होता तो दीदी को क्या टेबल का एक हिस्सा काट के दे दिया जाता? जी हाँ, है ना। फिक्स साइज पार्टीशन में प्रॉब्लम है, पार्टीशन सर पूरा ही देना पड़ता है। क्या बात समझ आ रही है? दीदी बहुत खुश है। और कहीं ना कहीं इनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, बिकॉज पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसने बैग अपना इस चेयर पे रखा है। लड़कियों को बड़ा शौक होता है खुद बैठने से पहले अपने बैग को बैठाती हैं। छोटी छोटी बारीक बातें होती है, नोटिस करना होता है ये, है ना। किसी लड़की से अगर आपको लड़ना हो सर, स्कूल में हमने ऐसा बहुत किया है, उसको कुछ मत बोलो, उसके बैक पर किसी मिट्टी लगा दो बस, फिर देखो मजे जीवन के। आए हाय भैया, ये बैग है, इस बैग का काम था किताबों की रक्षा करना, वो ये भूल गई है कि ये बैग क्यों खरीदा गया था, इसका क्या काम है। अपनी जान से ज्यादा बैग की चाहत, जबरदस्त। ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, बुक की इतनी इज्जत करते हैं कि उसको कभी पढ़ते ही नहीं है, गंदी हो गई तो। ना 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 ना। और भारत में तो बड़े कमाल का है, आप किसी भी धर्म में जाइए, हर धर्म के पास एक किताब है कि नहीं है, उसमें बहुत ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। लेकिन अगर किसी ने पढ़ ली तो आप कहीं जाइए उसको 4-5 लेयर के कपड़ों में बंद करके रखते हैं, बैग में रख के उसकी पूजा करो, उसको पढ़ना मत, पढ़ लोगे तो ज्ञान आ जाएगा तुम्हें भाई। ना 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 ना, ना। ऐसा। चलिए खैर, तो मैं दोबारा पॉइंट पे वापस आ जाता हूँ सर। मैं प्रीवियस लेक्चर
देख रहा हूं, मुझे डाउट है कब पूछूं। मत पूछो, तो मूड खराब कर रहे हो मेरा। इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, फिक्स साइज वेरिएबल साइज में अलग अलग डिस्कशन है। अगर तुम्हें वो डाउट है तो तुम कल सुबह आना, कल सैटरडे है 8 से 9, कल सुबह आना भाई, कल एक डाउट क्लास है उसमें आप आ सकते हो। फिलहाल अब शगुन कर रहे हो, फिलहाल मत पूछना, ये सब बातें मत करो। सुवीर को बड़ा इंतजार है टोटल इंडिपेंडेंस का, कैसे मिलेगा कब मिलेगा बताऊंगा अभी। खैर मुझे बताइए, ये दोनों पॉलिसी आप फॉलो कर पा रहे हैं क्या, वेरिएबल और फिक्स्ड? फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब पहले मैं आपसे बात करता हूं स्पेस एलोकेशन की, और स्पेस एलोकेशन पॉलिसी अलग बात है। अब यहां देखिए चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। स्पेस एलोकेशन एक अलग बात है, आप कौन से रूल फॉलो कर रहे हैं वेरिएबल और फिक्स वो अलग बात है। ये बात समझ आती है क्या? आगे मैं बात करूंगा इसके बारे में, तो उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या होंगे वो हम समय के साथ देखेंगे, ठीक है। चलिए आपको मैं पहले कहानी सुना देता हूँ, 2 मिनट की कहानी है, आपको बड़ा मजा आएगा उस कहानी को जान के, उससे आपको ये भी पता लगेगा टॉपिक से आगे भागना, आधी बात सुनना, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है जीवन में। एक बार मान लीजिए लगभग 1940 का समय था, 1940, भारत में कौन राज करता था? ये रियल स्टोरी है। भारत में अंग्रेज राज करते थे, है ना, ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, दो तीन लड़के शाम में कोने में खड़े होकर खुसर पुसर कर रहे थे। अब ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी होते थे, क्रांतिकारी, ये क्या खुलेआम मीटिंग कर पाते थे? नहीं, तो खुसर पुसर करके बात करते थे। तो ये दो तीन क्रांतिकारी टाइप एक कोने में खड़े हुए थे और कुछ खुसर पुसर कर रहे थे। वहां पे ताऊ जी बैठे हुए थे। ताऊ जी को लगा कि ये कुछ घोटाला कर रहे हैं, मतलब घोटाला नॉट इन द पॉजिटिव सेंस, उनको लगा कि कुछ मजे की बात है, ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं आपस में। ताऊ जी दीवार के पीछे जाके बैठ गए, तो उनको ज्यादा तो कुछ नहीं सुना, स्वराज सुना, स्वराज पूर्ण स्वराज ऐसा कुछ। ताऊ जी ने उन्हें पीछे से जाके धप्पा कर दिया, कह रहे क्या बात करो, क्या बात कर रहे हो बताओ। अब वो क्रांतिकारी डर गए भाई, उन्हें गुप्त बात करनी थी कि नहीं नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कि नहीं नहीं मुझसे डरो मत, मैं बताऊंगा नहीं, क्या क्या मिल रहा है, मुझे भी चाहिए, क्या मिल रहा है? कहते पूर्ण स्वराज मिल रहा है। कहते कब मिलेगा? कल सुबह 10 बजे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कह रहे पुराने पहाड़ी के पीछे सभा है, वहां आना है, पूर्ण स्वराज मिलेगा। ताऊ जी पूरे खुश, कह रहा मैं भी आऊंगा। कहते ताऊ जी आपकी उम्र ज्यादा है। कि नहीं मुझे भी चाहिए। ताऊ जी को लगा कोई खाने पीने की चीज होगी, अपन भी खा के आएंगे, कोई बात नहीं। पूरी रात ताऊ जी को नींद ना आए, सुबह 10 बजे का समय था। कि तर पता नहीं पूर्ण स्वराज क्या चीज होगी, मजा आएगा। सुबह सुबह 3-4 बजे ताऊ जी नहा धो के उठ के तैयार हो गए, बढ़िया वाली नई धोती कुर्ता पहना, सिर के ऊपर टोपी लगाई। 10 बजे का समय था, 8 बजे ताऊ जी पहुंच गए। खैर धीरे धीरे युवा क्रांतिकारी आने शुरू हुए और 10 बजे तक सभा में 20-50 लोग हो गए। सब लोग यंग ही थे ज्यादातर। ताऊ जी को लगा ये मैंने अच्छा आज भंडाफोर कर लिया, ये शहर के सब यंग बच्चे इकट्ठे हो गए, कुछ मजा करते हैं, मुझे भी आज पूर्ण स्वराज मिलेगा। सभा शुरू हुई, भाषणबाजी शुरू हुई, तो देशभक्ति के गाने, प्रेम, ये वो। इतने में दूर देखा तो पहाड़ का हिस्सा था, दूर से देखे तो घोड़े पे कुछ लोग भागते हुए आ रहे हैं। जैसे जैसे घोड़ों की टाप की आवाज तेज हुई तो लगा दिखा कि अंग्रेज थे, हाथ में बैते डंडे लिए हुए हैं और भागते आ रहे हैं। लगता है खबर लीक हो गई कहीं से, किसी ने मुखबिरी कर दी, पता लग गया कि आज यहाँ सभा होनी है। अब जो क्रांतिकारी थे भागना शुरू किया, लाठीचार्ज तो अभी बाद में होगा, कोई इधर से भाग रहा है, कोई उधर से भाग रहा है। ताऊ जी पकड़ में आ गए। ताऊ जी बेचारे कहाँ भागते, उम्र उम्र ज्यादा थी, तो अंग्रेज ने घोड़े के ऊपर लिटाया और ताऊ जी को जेल ले गए। उसके बाद बर्फ की सिल्ली में ताऊ जी को लिटाया गया और पिटाई चालू, हंटर लग रहे। अब ताऊ जी को समझ आया कि पूर्ण स्वराज का मतलब क्या था।
अभी अभी कहानी खत्म नहीं, अभी अभी आखिरी ट्विस्ट बाकी है। जब ताऊ जी को 100 कौड़े लग चुके थे, उसके बाद अंग्रेज अफसर आया, पता नहीं उसका क्या मन हुआ, उसने कहा 100 और मारो। ताऊ जी ने कहा रुक जाओ, जो कॉन्फिडेंस इतना था, जो कौड़े मार रहा था वो भी रुक गया। कहते क्या हुआ? कहते रुको 2 मिनट, हाथ खोलो मेरे, मुझे बात करनी है कुछ। ताऊ जी के हाथ खोले गए, कि बताओ क्या दिक्कत है? कह रहे भाई सारा स्वराज मुझे ही दोगे क्या, थोड़ा सा कहीं और भी बांट दो। कहते तुम्हें तो चाहिए था पूर्ण स्वराज, लो पूरा तुम ही लो अब। बस कहानी ही खत्म हो जाती है। तो जब आप पूरी बात सुनेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे नहीं, आधी अधूरे ज्ञान को लगा के कहीं पहुंचेंगे, तो सर फिर टोटल इंडिपेंडेंस मिलेगा आपको। बात समझ आ रही है? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज का मतलब आपको समझ आया। अब अपन बात करते हैं किसकी, फर्स्ट फिट पॉलिसी की। फर्स्ट फिट पॉलिसी, तो फर्स्ट फिट पॉलिसी क्या कहती है? अब देखिए यहां मैं दोनों एग्जांपल लेके चल रहा हूं, दोनों एग्जांपल आपको इस बात समझाने के लिए। ऊपर वाला जो मैं मेमोरी यहां पर बनाने की कोशिश किया, ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है वेरिएबल साइज पॉलिसी का, जिसमें अपन मान रहे हैं कि मेमोरी एक सिंगल चंक है, जरूरत पड़ने पर जितना चाहे उतना लोकेट कर देंगे। और जो नीचे वाला है सर, ये किसका एग्जाम्पल हुआ? फिक्स साइज का। दोनों तरीके वैलिड होंगे। फर्स्ट फिट पॉलिसी क्या कहती है? एज द नेम इम्प्लाइज, यार कहीं पर भी हम एलोकेशन करेंगे ना, रिसोर्स मैनेजमेंट करेंगे, जो सबसे फंडामेंटल अप्रोच है, प्रिंसिपल है रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इजंट इट? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यस। तो स्टेट्स दैट सर्चिंग द मेमोरी फ्रॉम द बेस एंड विल एलोकेट फर्स्ट पार्टीशन विच इज कैपेबल इनफ। तो पहला पार्टीशन जो कैपेबल इनफ होगा, यानी कि मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, इधर से मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, क्या इस पॉलिसी को इस बात से कोई परवाह है, इस बात पे कोई डिपेंडेंसी है कि क्या रिक्वेस्ट मांग रहा, कितना स्पेस खाली है? नहीं, ये तो देखना स्टार्ट करेगा। और मान लीजिए ये जो स्पेस है 500 यूनिट है, आपको 10 चाहिए, ये वो भी एलोकेट कर देगा क्या? इसको फर्क नहीं पड़ता सर। ये कह रहा है कि मैं तो स्टार्टिंग से सर्च करूंगा, जो पहला स्पेस अवेलेबल होगा विच इज सफिशियंट इनफ, मैं उसको एलोकेट कर दूंगा, कहानी खत्म, पैसा हजम। ये बात समझ आ रही है क्या? यस। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ फर्स्ट फिट पॉलिसी, इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट फिट। यस, इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, इस पे भी बहस नहीं करना चाहता मैं, दोबारा बाद में वापस आऊंगा। अब जैसे प्रसाद बोल रहा है 490 वेस्ट हुआ, इट डिपेंड्स प्रसाद, जरूरी नहीं है। देखिए अगर वेरिएबल साइज होगा तो बचा हुआ स्पेस तो मैं रीयूज करूंगा ना, इजंट इट? ये बात सब बाकी लोग भी फॉलो कर पा रहे हैं। सर बचा हुआ स्पेस वेस्ट हुआ या यूज हुआ, ये तो डिपेंड करता है पॉलिसी क्या है। अगर फिक्स साइज पार्टीशन है तो मान लूंगा वेस्ट हुआ, बट अगर वेरिएबल साइज पार्टीशन है तो 500 में से 10 ही यूज करूंगा, 490 दोबारा इस्तेमाल करूंगा। हाँ के ना? हाँ। तो मैं बोल रहा हूं परफॉर्मेंस की बात बाद में करूंगा, पहले मैं आपको पॉलिसी समझा देना चाहता हूं, जो कि बहुत सिंपल है, उसके नाम से भी उसका काम समझ आता है। तो फर्स्ट फिट पॉलिसी बोलता है मैं स्पेस सर्च करूंगा, जो पहला स्पेस सफिशियंट इनफ होगा उसको एलोकेट करूंगा और बात खत्म हो जाएगी। क्या ये बात अभी आप समझ पा रहे हैं? ओके ओके, वेरी गुड। ओके, अब जरा अगली बात ऑब्जर्व करिए, पहले आइडिया समझ लेते हैं। एक आइडिया हो सकता है बेस्ट फिट पॉलिसी। नाउ बेस्ट फिट से समझ आता है ये अब थोड़ा दिमाग लगाएगा, ये क्या कहेगा? यस, अपन पूरा सर्च करेंगे और यहां बेस्ट की परिभाषा क्या होगी? आप बड़े से बड़ा स्पेस ढूंढेंगे, छोटे से छोटा, स्मॉलेस्ट स्पेस, वेरी गुड। तो आप पूरी मेमोरी सर्च करेंगे, जाके स्मॉलेस्ट स्पेस देखेंगे जो कि सफिशियंट इनफ होगा और उसको एलोकेट कर देंगे, ताकि जो लेफ्ट ओवर स्पेसेस हो उनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। सही बात है क्या? अगेन मैं बोल रहा हूं, मैं भी एनालिसिस नहीं करा रहा, आई डोंट वांट टू गो इनटू एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इट डिपेंड्स अपॉन द आइडिया। क्वेश्चन सॉल्व करके आप और अच्छे से समझ पाओगे। और तीसरा भाई, बेस्ट का उल्टा हो सकता है क्या? वर्स्ट फिट पॉलिसी। क्या हो सकता है? वर्स्ट फिट।
अब वसफिट क्या चीज हुई सर, वसफिट क्या हुआ, उल्टा करेगा, कह रहा जो भी मुझे स्पेस एलोकेट करना मैं लार्जेस्ट स्पेस ढूंढूंगा, लार्जेस्ट स्पेस, और उसको मैं एलोकेट करूंगा। एक तरीके से सुसाइडल ही है, बट उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं वो आगे जाके और अच्छे से हम समझेंगे। बट आपको अप्रोच समझ आ रही है क्या? वसफिट मैं अभी इस पे बाद में चर्चा करूंगा, बट इसको ऐसे समझिएगा, आप कभी बाजार में पनीर लेने गए हैं? अच्छा गए हैं, तो आपकी मम्मी खूब काम रोज जाते हैं पनीर लेने, बहुत बढ़िया है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर पनीर वाले के पास इस तरह का एक बड़ा सा टुकड़ा होता है, मान लीजिए 3-4 किलो का होगा, है ना, अब पनीर कोई 5 किलो तो लाता नहीं है, कितना मंगाती है आपकी मम्मी? मुझे बताओ आजकल क्या फैशन चल रहा है, कितना पनीर आता है? 100 रुपए का, 200 ग्राम, आधा किलो, 550 ग्राम, 1 पाव, 200 ग्राम, ठीक है। और मैं बहुत दिन से नहीं गया हूं, क्या रेट है पनीर, कितने रुपए किलो है? 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, 350, 360, 1200 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो पनीर। खैर सुबीर कह रहा तो हो सकता है, डिपेंड करता है कि किसके दूध का पनीर बना हुआ है, गाय भैंस का तो मिल जाएगा 300-400, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं मुद्दे वापस आता हूं, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अब उसके पास 4 किलो का टुकड़ा है, उसमें से आपको छोटा टुकड़ा काट के देना है, आसान काम है मुश्किल काम है? आसान काम है। मैं आपसे एनालॉजी, और उसमें वो करते भी हैं, फिर देखते हैं अरे यार 4-10 ग्राम कम रह गया, वो दुकानदार आपकी शक्ल देख रहा, आप दुकानदार की शक्ल देख रहे हो, फिर वो उसमें से एक टुकड़ा और काट के डालता है, फिर वो 2 ग्राम ज्यादा हो गया, फिर वो आपकी शक्ल देख रहा, फिर आप उसकी शक्ल देख रहे हो, लेकिन अब वो कम नहीं कर रहा, आप बड़े खुश हो गए 2 ग्राम में ज्यादा लेके आया, सही बात है ना? 2 ग्राम कम तो नहीं चलेगा, 2 ग्राम ज्यादा हो सकता है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर टुकड़ा बड़ा हो तो जो बचा हुआ, अच्छा उसको टेंशन है क्या कि 2 ग्राम ज्यादा चलेगा, मेरे बाकी का क्या होगा? यार पूरा तो किसी को लेना नहीं है, ये टुकड़ों टुकड़ों में ही बिकना है ना बात? कोई आके बोलता मेरे को 5 किलो पनीर दो, और अगर 480 किलो 90 ग्राम होगा तो मैं नहीं लूंगा, मेरे को पूरा 5 किलो चाहिए, मेरी मम्मी ने 5 किलो बोला है, फर्क नहीं पड़ता सर, 2-4-5 ग्राम ऊपर नीचे कोई टेंशन नहीं है। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि इस पनीर के टुकड़े की तरह अगर बड़े में से हिस्से काटे जाएं तो बाद में जो बचा हुआ स्पेस है उसके रीयूज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, हाँ या ना? हाँ। अब मान लीजिए इसने दिमाग लगाया, इसने पहले से 50-50 ग्राम के पनीर के टुकड़े काट के रख लिए, कहता मैं तो काट के रखूंगा, है ना, और आप गए 100 ग्राम पनीर लेने, अच्छा कोई 50 में से आया कि 40 ग्राम दे दो, तो कितना बच गया, 10 ग्राम, इधर 2 ग्राम बचा, इधर 3 ग्राम बचा, इधर इधर 1 ग्राम बचा, ऐसा। और आप गए पनीर लेने के लिए, इसने सब छोटे छोटे टुकड़े दे दिए आपको, कि लो ये सब मिला के ले लो, आप लोगे क्या? तो पागल है क्या? तो पनीर लेना है, सब्जी तो हम बनाएंगे, तो पहले सब्जी बना के दे रहा है इसकी, यस नाउ डू यू गेट माई पॉइंट? हालांकि मुझे अभी यहां डिस्कशन करना नहीं था, बट कुछ लोग वस फिट के अस्तित्व पे, उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, बात मेरे दिल को छू गई। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि वस फिट पॉलिसी दरअसल लेफ्ट ओवर स्पेस के साथ बेटर काम करती है, वस फिट बेस्ट फिट खराब काम करती है, वस फिट इज बेटर। फॉलो कर पा रहे हो? क्योंकि बचा हुआ टुकड़ा अच्छे से यूज होगा, आप तो बेस्ट फिट के चक्कर में मुझे छोटे छोटे टुकड़े देके छोड़ दोगे, ये 2 ग्राम का टुकड़ा, ये 10 ग्राम का टुकड़ा, भाई नहीं यूज कौन करेगा, तो बर्बाद हो गया स्पेस। इससे अच्छा था कि बड़े टुकड़े से निकालना होता, कम से कम बचा हुआ स्पेस यूज तो हो जाता। आजकल एक नया डायलॉग मुझे बहुत पसंद आ रहा है, गोबर खाना है हाथी का खाओ, गोबर खाना कोई दिक्कत नहीं बट हाथी का खाना है सर, यस, छोटा काम नहीं करेंगे जीवन में। ये छी छी वाला बोल रहा, गोबर के पर्यायवाची होते हैं बच्चों को, गोबर बच्चे मतलब छी बोलते हैं, छी 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 ऐसा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूं,
और मैं इनको बता दूं कि बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में गाय हाथी इन सब के गोबर का बढ़िया से इस्तेमाल होता है, फिर वहां छीप ही नहीं होता, आप बड़े मजे से लगाते हो, बड़े मजे से खाते हो। खैर ओके, अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अभी मैं इन पॉलिसीज पे दोबारा वापस आऊंगा, एक दो आइडिया मुझे और डिस्कस करने हैं। एक आइडिया सर डिस्कस करना है ऐसे, मान लीजिए इसको देखिए, ये एक मेमोरी है जिसको अपन ने, बताओ ये फिक्स साइज है कि वेरिएबल साइज है। अच्छा मैं अब आपसे एक दूसरी बात बोलता हूं, ये स्पेस ऑक्यूपाइड है, ये स्पेस ऑक्यूपाइड है और ये तीन स्पेस खाली है। ऐसा भी तो हो सकता है, 2 मिनट के लिए सोचो, कि ये वेरिएबल साइज हो, कुछ प्रोसेस आए कुछ प्रोसेस गए, फिलहाल ये सिनेरियो है, इज इट पॉसिबल, है ना? ठीक है, तो 2 मिनट के मान लीजिए, ये फिक्स भी हो सकता है वेरिएबल भी हो सकता है, ये तो मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपसे आर्ग्यूमेंट करना चाह रहा हूं, मान लीजिए इधर है 50, इधर है 150 और इधर है 500, ये यूनिट्स अवेलेबल है। ठीक, एक प्रोसेस आया, कह रहा है मेरे को 150 चाहिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? 150 चाहिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। एक प्रोसेस आया, बोल रहा है मेरे को 500 चाहिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? 500 नहीं, स्पेस है दे देंगे। एक प्रोसेस आया, बोल रहा है मेरे को 600 चाहिए, अब भाई दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? क्या 600, क्या मेरे पास कितना? मेरे पास 700 अवेलेबल है, यस और नो? टोटल स्पेस कितना अवेलेबल है जोड़ के बताना भाई। टोटल स्पेस है सर 700, यस। लेकिन क्या 600 की रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट मैं फुलफिल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप भूलिएगा मत, हम कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पढ़ रहे हैं सर। बोलने वाला है बोलेगा कि मेरे को कंटिन्यूअस चाहिए, है ना? फिर चाहे वो बर्थडे पार्टी का एग्जाम्पल हो, मान लीजिए आपको घर बनाना है, कोई ऐसा बोलेगा कि एक काम करो भाई साहब, ये 500 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट यहाँ ले लो, 50 का यहाँ ले लो, बाथरूम यहाँ बना लेना और गैराज यहाँ बना लेना। भाई ये क्या कर रहे हो भाई, कंटिन्यूअस स्पेस चाहिए। बात समझ आ रही है क्या? यस। तो सर ये जो समस्या है वेरिएबल साइज में, बीच में कैसे एलोकेट कर दिया, क्यों नहीं कर सकते? पहले ये सब भरा हुआ था, बीच में 50 और 150 वाली प्रोसेस चली गई तो स्पेस खाली हो गया, बताओ। हो सकता है ना? ठीक बात। तब आप मुझे एक बात बताएं, जो स्पेस यूजर मांग रहा है, प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है, वो स्पेस अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद भी हम स्पेस अलोकेट नहीं करा पा रहे क्योंकि वो स्पेस कंटिग्यूस नहीं है, हाँ या ना? मैं दोबारा दोहरा रहा हूं इस बात को, जो स्पेस प्रोसेस मांग रहा है उतना स्पेस मेरे पास है, बट मैं उसको एलोकेट नहीं करा पा रहा क्योंकि वो स्पेस कंटिग्यूस सिंगल चंक में अवेलेबल नहीं है। इस समस्या को दोस्त बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाके बोल दिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम से सवाल पूछो, तो इस बात की काफी हद तक पॉसिबिलिटी है, सीपीयू शेड्यूलिंग के बाद अगला जो डेफिनेशन सामने वाला पूछेगा, वो पूछेगा बताओ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, मुझे बताओ, बता पा रहे हो क्या? व्हाट इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन? जितना स्पेस चाहिए इतना स्पेस हमारे पास है, बट क्योंकि वो कंटिग्यूस नहीं है तो लोकेशन नहीं हो सकता, दिस इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यस ओके। अब जरा दोबारा दीदी पर ध्यान देते हैं। दीदी देखिए, एक कुर्सी पे बैग रखा है, दूसरी कुर्सी पे खुद बैठी है और ज्यादा से ज्यादा पिक्चर क्लिक्स, अभी इसने ऑर्डर किया, पानी पी रही है बस, ये कुछ खाना पीना है नहीं। अब आप मुझे बताइए, कभी कभार आपने ऐसे देखे होंगे, दोनों किस्म के लोग मिलेंगे,
एक आदमी टेबल पे बैठा हुआ है, दीदी बैठी हुई है, बाकी चेयर खाली है, आपको एक चेयर चाहिए, आप तीन चार दोस्त एक चेयर कम है, आपने पूछा कैन आई बोरो अ चेयर, क्या मैं एक चेयर ले सकता हूं, तो वेरी गुड। तो अब एक बात समझिए, अगर ये टेबल, ये मैनेजर ऐसे पूछो, ये तो पहले मुंह घुमा के खड़ा है, कहता है भाई साहब मैं नहीं डील कर सकता, जो करना आप कर लो, इसने तो मुंह घुमा लिया पहले से। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, अगर ये मेमोरी ये टेबल वेरिएबल साइज पार्टीशन से मैनेज्ड है सर, वेरिएबल साइज पार्टीशन से, तो बहन से पूछने की जरूरत है या जितनी चाहे उतनी टेबल ली जा सकती है चेयर्स, फिर क्या फर्क पड़ता है, फिर तो उठा लो चेयर, क्योंकि वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में किसी प्रोसेस को उतना ही स्पेस दिया जाएगा जितना जरूरी है, बाकी का स्पेस दूसरी प्रोसेस को दिया जा सकता है, हा या ना? हाँ, लेकिन अगर ये फिक्स साइज पार्टीशन है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर रहा है ना, तो उस केस में क्या बोला जाएगा, टेबल फिलहाल एम्प्टी है या ऑक्यूपाइड है, टेबल ऑक्यूपाइड है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पे, अच्छा ये तो बड़ी इनप्रैक्टिकल सी सिचुएशन मैंने आपके लिए बना दी, जरा इधर देखिए, ये देखिए एक फैमिली है, यहाँ पे 9 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होटल वाला भी खुश है, 9 चेयर भरी हुई है। अब एक आदमी अकेला है और वो होटल वाला कह रहा है एक काम करो तुम यहां बैठ के खा लो, बताओ हुआ है आपके साथ कभी ऐसा? ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल सी बात हो जाती है, बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है ना? तब आप मुझे बताइए क्या ये चेयर खाली है? हाँ ये चेयर खाली है। क्या हो सकता है एक आदमी बाहर वेटिंग लिस्ट में खड़ा हो, कह रहा है मेरे को अकेले खाना खाना है, हो सकता है, फिर भी क्या ये इस आदमी को ये चेयर दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती, बिकॉज प्रोसेस ऑलरेडी वहां पर काम कर रहा है और ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं सर? इस प्रॉब्लम को बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सिर्फ कंटिग्यूस सिर्फ वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में होगा या फिक्स साइज पार्टीशनिंग में? सोचिए दोबारा, सोचिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट मसले हैं सर। देखो जब इंटरव्यू देने जाओगे वहां कोई टू लेवल पेजिंग का न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कराता है, एग्जामिनर वाइवा लेने वाला आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करता है, इतनी सब बातें आप बता दें प्रेम प्यार श्रद्धा से, बस मामला सेट हो जाएगा। वेरी गुड, तो ये बात आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर फिक्स साइज पार्टीशन है और प्रोसेस एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट जो मांग रहा है उतना हमें देना पड़ेगा, लेकिन हमारा स्पेस उससे ज्यादा है, तो इसको हैंडल करने का और कोई तरीका नहीं है। बाकी अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो देयर कुड बी डिफरेंट एग्जांपल्स। इमेजिन करिए आप एक एरे डिक्लेयर करते हैं, एरे इज स्टैटिक और डायनेमिक। एरे को क्या बोला जाता है? एरे को बोला जाता है स्टैटिक। तो आपने डिक्लेयर किया, आपने उसमें 10 सेल डिक्लेयर कर दिए, ठीक है, और बाद में आधा ही एरे आपने भरा, बाकी लास्ट के 3 सेल खाली रहेगा। ये कौन सा एग्जांपल है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि सिस्टम को कोई प्रॉब्लम है क्या? सिस्टम बोलेगा भाई साहब हमने तो लोकेट कर दिया, इस जमीन की रजिस्ट्री का बैनामा ऑलरेडी हो चुका है इस एरे के नाम पे, किसी और कोई जगह नहीं दी जा सकती, वो अलग बात है कि ये स्पेस खाली है। क्या ये बात समझ आ रही है कि आपको? यस। सो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो होगा सर, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किस लिए होगा? फिक्स साइज पार्टीशन की वजह से होगा। वेरी गुड। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन किस लिए होगा?
वेरिएबल की से नहीं, कंटिग्यूस की वजह से होगा, यहाँ यहाँ खेल गया ना, एक्सटर्नल फिक्स की वजह से नहीं सर, एक्सटर्नल होगा कंटिग्यूस की वजह से। तो इसका मतलब चाहे फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, क्या एक्सटर्नल से दोनों सफर करेंगे? अब ये बात इंपॉर्टेंट है, हाँ एक्सटर्नल से तो दोनों सफर करेंगे, लेकिन इंटरनल से सिर्फ फिक्स साइज सफर करेगा, वेरिएबल नहीं करेगा। एक मिनट रुकिएगा, यार मुझसे गलती हो गई, कि आई थिंक मेरी यूट्यूब पे आज एक क्लास शेड्यूल थी 5:30 से, मैं भूल गया, मैंने क्लास रीशेड्यूल करा दी। तो यूट्यूब टीम का मैसेज है, आजकल मेरे शेड्यूल इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि मैं भूल जाता हूँ। एक मिनट रुक जाओ भाई, चलिए हाँ मैं क्या बोल रहा था आपको, यस तो डू यू अंडरस्टैंड इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन? इस तरह की दुर्घटनाएं कभी कभी होती रहती है, क्या हो गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन पे गौर करिए जरा, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए और इसकी पूरी बात सुनिए क्या बोल रहा है, और मुझे बताइए कैसे सॉल्व होगा, फिर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ। लाइव मिस किया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्या होगा यार भाई, मेरा अनअकैडमी का, आप सबका, हम सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैं आपको पढ़ाऊं वो समझ आए, इजंट इट? बस उसके लिए मैं प्रयासरत हूं, अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं सर। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अराइज होगा जब कोई प्रोसेस लीव करेगी तब। अभी देखिएगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ऑब्जर्व करेंगे, अभी तो जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया है,
अगला आधा घंटा बड़ा क्रूशियल है सर, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। मैंने कुछ अभी ज्यादा सिखाया नहीं आपको, तो प्लीज डोंट बी इन प्रेशर, पूरी बात ध्यान से समझिए सुनिए। वाह, ये बताइए आलू पेटीज कितने की आती है? आज मैं आलू पेटीज खाऊंगा, 15 की, 20 की, 35 की, इतना वेरिएशन? आलू पेटीज में क्रीम? कौन लिख रहा था भाई? बेटा दोबारा लिखना, छी लिखना दोबारा एक बार, आलू पेटीज में क्रीम? अरे चीज, मेरे को चीज नहीं पसंद है, मैं आलू पेटीज ही खाऊंगा, पनीर पेटीज बेटर है। नहीं, वो मेरे को पता है, कुछ ऐसी बेकरीज होती हैं जहां पे विदाउट एग मिलते हैं, मैं विदाउट एग वाली खाऊंगा ऑब्वियसली। आपने ब्लॉग मैन एकेडमी की, यार एक बात बताओ प्रसाद, दिन में 6-7 घंटे टी शर्ट पहननी है? मेरा एक यही काम है कि बदलो उतारो, मैं पूरे दिन यही पहन के घूमता हूँ, मसला ही खत्म। नहीं यार, 6 घंटा वैसे पहननी है, उल्टा फिर डर लगता रहता है कि कहीं क्लास में पहनना ना भूल जाए, खत्म कर दिया, यही पहन के घूमो पूरे दिन। मेरे पास अभी 3-4 है और मंगाऊंगा, मैं इनका व्यापार करूंगा। स्कूटी में हेलमेट पहनना तो चाहिए, लेकिन मैं रहता हूँ डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में, या हेलमेट पकड़ पहन के जाओ पुलिस पकड़ लेती है, पुलिस को लगता है चोर है, हेलमेट क्यों पहना है इसने, ऐसा सच बता रहा हूं आपको। आप विदाउट हेलमेट जाओगे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप हेलमेट पहन के जाओगे पुलिस पकड़ लेगी, तो भाई साहब ये चोर है, इसने हेलमेट क्यों लगाया है, ये मसला है। नहीं लेकिन मजे की बात अलग है, हेलमेट पहनना चाहिए। मैं तो आपसे ये भी नहीं बोल सकता कि मेरे बाल खराब हो रहे हैं, मेरे बाल होने भी तो चाहिए खराब होने के लिए। मैं हेलमेट, एक हेलमेट खरीदता हूँ, हेलमेट पहना करूंगा मैं। चलिए जरा वैल्यू के हिसाब से ऑब्जर्व करते हैं, ये क्वेश्चन समझाता हूँ। कंसीडर 6 मेमोरी पार्टीशंस, 200, 400, 600, 500, 300, 250। ये जो डायग्राम टाइप आपको नजर आ रहा है, ये एग्जाम में था कि नहीं था? नहीं सर, ये अपन ने खुद से बनाया है, शायद जरूरत तो एक की थी। अच्छा, इसने कितने से पूछा है? बेस्ट फिट पूछा है ना, अपन ने 3 बनाए ताकि तीनों बात ऑब्जर्व करें। वेयर केबी रेफर्स टू किलोबाइट, चुप रहे यार, दिस पार्टीशन नीड टू बी एलोकेटेड टू 4 प्रोसेस साइज, रिक्वेस्ट बता रहा है, 357 KB, 210 KB, 468 KB, 491 KB, इन दैट ऑर्डर, इस ऑर्डर में रिक्वेस्ट सेटिस्फाई करना है। इफ द बेस्ट फिट एल्गोरिथम इज यूज, विच पार्टीशन आर नॉट अलोकेटेड टू एनी प्रोसेस, कह रहा है अगर बेस्ट फिट का इस्तेमाल करना है, इसमें से कौन कौन एलोकेट नहीं हो पाएगा, आप बोलो तो तीनों से ऑब्जर्व करें, फर्स्ट फिट भी पढ़ते हैं, बेस्ट भी देखते हैं और वर्स्ट भी देखते हैं। अच्छा, अब ये क्योंकि मेमोरी के जो है 6 पार्टीशन है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ मुझे बताइए, फिक्स साइज पार्टीशन का, ठीक बात। चलिए मैं कोशिश करता हूं, 2 नंबर का क्वेश्चन 2015 में गर्मा गर्म पूछा गया, 357 KB, फर्स्ट फिट पॉलिसी 0 से ढूंढना शुरू करेगा, 200 में पॉसिबल नहीं है, 400 में लोकेट करेगा, तो 357 इधर पहुंच जाएगा सर, और कितना स्पेस बर्बाद हो गया, कितना स्पेस, 43 यूनिट्स। क्या आप बात समझ रहे हैं, बिकॉज ऑफ फिक्स साइज पार्टीशनिंग, अगर अगली रिक्वेस्ट 40 की भी होती तो भी मैं ऐसा लोकेट ना कर पाता, अभी ये वेस्ट हो गया,
that is internal to the process. Now this is the example of internal fragmentation. क्योंकि मेरा यूनिट 400 का है. अच्छा देखो देखो समझो नुकसान में फायदा समझो क्या है मेरे दोस्त नुकसान में फायदा समझो क्या है. इसने 300 मांगा मैंने 400 दिया. मेरी हेडेक है क्या 43 को मैनेज करने की यार इसको भी तो हैंडल करना पड़ेगा. नहीं मेरे को टेंशन नहीं भाई मेरी सारी कैलकुलेशन डन है तू ही रख तेरे को रन करना है कर नहीं करना है ना कर. इस बात को समझिएगा ये रियल लाइफ की लर्निंग है ये मेरी लर्निंग है. क्या कभी कभी हम छोटी छोटी चीजों को बचाने में क्या बड़ा नुकसान करते हैं. हाँ और ये मैं आपको यहां सिखाऊंगा रिसोर्स मैनेजमेंट में. अबे 2 KB बचाने के चक्कर में अगर उसकी बुक मेंटेन करने में 20 KB का खर्चा कर दिया तो फायदा क्या हुआ समय बर्बाद किया अलग. सही बात है कि नहीं. तो वी हैव टू सी द बिगर पिक्चर. बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों में ही लगे रहते हैं. ये यहां पैसा ना मार ले ये मेरा एम्प्लॉय सही से काम करेगा नहीं करेगा. भाई तू खुद कब करेगा फिर बड़ा काम तू इसी चक्कर में लगा रहेगा. तो मेरे को 43 KB का लालच है कि नहीं है सर. फिलहाल नहीं है मेरे को पता है मैं यही टेंशन में लगा रहूंगा. भाई मुझे बड़ी बड़ी प्रोसेसेस हैंडल करनी है. संजोग से मेरी बात हुई थी और संजोग इस बात को हैंडल भी कर रहा है. संजोग ने पहले पूरा दिमाग लगाया. संजोग कंक्लूडेड कि आई कैन डू सेल्फ स्टडी. 4 महीने बर्बाद करने के बाद अब संजोग से यहां पर आ गए हैं. लेकिन एटलीस्ट ही अंडरस्टूड. और ये आप और मैं ये हम सबके साथ है. ठीक बात आगे बढ़ते हैं. अगला बताओ 210 फर्स्ट फिट से चालू करूंगा क्या 200 में होगा नहीं होगा. तो वेरी गुड सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं. ठीक है तो 210 सर इधर दिया. हे भगवान 600 में 210 अलोकेट करा रहा है. भारी भरकम नुकसान हुआ है सर 390 units का. 390 units ऑफ मेमोरी हैज बीन इंटरनली फ्रेगमेंटेड. 468 KB का रिक्वायरमेंट है. चालू करो 500 में रन कर सकते हैं. तो 468 इधर चला गया. कितना बचा सर कितना बचा 32 units इधर चला गया. ग्रेट. आखिरी 491 इधर किधर. तब यहां समझिए इस बात को. जब तक क्लैरिटी से बताया नहीं जाएगा ऐसा तो आप दिमाग नहीं लगा रहे कि अपन 2 प्लॉट जोड़ लेते हैं 550 को बना के बेच देंगे. ना 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 ना. इट इज लाइक आप अपनी हार्ड डिस्क में पार्टीशन करते हो. पार्टीशन ये 200 GB की ये 400 GB की ये 600 GB का समथिंग लाइक दिस. तो इज इट पॉसिबल कि एक बड़ी मूवी आधी आधी 2 पार्टीशन मिला के कर दिया जाए. भाई साहब आपने बनाए पार्टीशन. ना 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 ना. अब ये पार्टीशन ही रहेंगे या अलग नहीं हो सकते. इसका मतलब फर्स्ट फिट में 491 KB पेंडिंग होगा. ये सेटिस्फाई नहीं होगा. अब आपको एक मजे की बताता हूं. बताइए जरा आंसर तो छोड़ दीजिए. उसने जो क्वेश्चन पूछा बाद में देख लेंगे. फर्स्ट फिट में कितना 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 इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है टोटल काउंट करके बताओ. ये गेट का क्वेश्चन हो सकता है. 3 मतलब अबे सम करो इनका. 43 प्लस 390 प्लस 32 कितना आ रहा है भाई 465. तो 465 यूनिट जो है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की बलि चढ़ गई. कुछ नहीं कर सकते इसका. गया खत्म. फॉलो कर पा रहे इस बात को. 465 यूनिट्स बहुत बढ़िया. अब मैं आपको एक अगली बात समझाता हूं. इस क्वेश्चन को बीच में रोकूंगा. मेरी आदत बहुत खराब हो गई है. बस एक चीज से दूसरी चीज निकली है सर तो मुझे बताना पड़ेगा. यहाँ आ जाइए. आपको मेरे को क्या समझाने का है. हाँ ये एक मेमोरी है और ये जनाब टोटल 10 यूनिट की है. कितने यूनिट की है बताओ. 10 यूनिट्स की. 10 यूनिट्स. यस. अब यहां पर बीच में 1 यूनिट ऑक्यूपाइड है. 2 यूनिट ऑक्यूपाइड है. कितना ऑक्यूपाइड है 2 यूनिट. और मैं थोड़ा इसको डीप्रोपोर्शनेट कर लेता हूं. मान लीजिए यहां पर 2 यूनिट्स फ्री है और यहां पर 6 यूनिट्स फ्री. ऐसा हो सकता है. अच्छा अब मैं आपको एक कहानी समझाता हूं सर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की और कुछ केस बना लेता हूं. इसमें बड़ा बहस है. हालांकि एग्जाम में भी आपको परेशान नहीं करेंगे बट अंडरस्टैंडिंग देखिएगा. अगर कोई आके बोले मेरे को 2 यूनिट चाहिए. कितना यूनिट चाहिए 2 यूनिट. बताओ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कितना. ये हो गया रिक्वेस्ट.
और ये हो गया एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। दो यूनिट चाहिए दे देंगे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जीरो, कोई टेंशन है क्या? अच्छा मैं पहले एक और बात पूछ लेता हूँ, ये डायग्राम देख के आप मुझे बता सकते हो कितना एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है? ना 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 ना, ये डायग्राम देख के आप मुझे बता सकते हो कितना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है? दोबारा देखो, ये डायग्राम देख के बता सकते हो कितना इंटरनल? हाँ नजर आ रहा है 43 आ गया, 390 आ गया, 32 आ गया, लेकिन डायग्राम देख के सर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं बताया जा सकता। क्यों? अभी समझाता हूं आपको। यस यस, ये रिक्वेस्ट पर डिपेंड करेगा सर। तो मैं इधर आ जाता हूं। अब देखिए, अगर किसी ने दो मांगा अपना कोई नुकसान है क्या? दो अलोकेट कर देंगे बात खत्म हो जाएगी। अगर किसी ने पांच मांगा अपना कोई नुकसान है क्या? कोई नुकसान नहीं है, एलोकेट करेंगे। अगर किसी ने छह मांगा अपना नुकसान है क्या? कोई नुकसान नहीं है, एलोकेट करेंगे। अगर किसी ने नौ मांगा तो? अब बताओ नुकसान कितना? अगर एक प्रोसेस आके कहता मेरे को 9 KB दे दो, नुकसान कितना? कुछ लोग कह रहे हैं 8, कुछ लोग कह रहे हैं 0। मैं इस बात को ऐसे समझाता हूं, ठीक है? अभी लॉकडाउन में बहुत समस्या है, बहुत लोगों को नुकसान हुआ है सर बिजनेस में। मान लीजिए आपके घर के पास कोई बड़ा बिजनेसमैन उद्योगपति है ना, उसके उसके फैक्ट्री में उसको बहुत नुकसान हो गया, कुछ समस्या थी, जो भी मसला था, उसका जो घर है उसकी उसका बड़ा एक घर है, फार्म हाउस है उसका, उस घर की कीमत है 10 CR, 10 करोड़। कितनी कीमत है? 10 करोड़। बट उसको बैंक का लोन और बहुत सारी समस्या, उसको अर्जेंटली सेल करना है और वो 7 करोड़ में भी सेल करने के लिए तैयार है, बट शर्त है कि उसको पैसा 2 दिन में चाहिए। ऐसा होता है ना रियल लाइफ में, आप देखते हैं कभी कभी, या किसी को यूएस जाना है, कहीं जाना है ना, ठीक है? तो 10 करोड़ की चीज 7 करोड़ में मिल रही, कितने का फायदा हुआ? 3 करोड़ का। अब आप बैठ के रो रहे हैं, आपकी मम्मी ने पूछा क्या हुआ, कहते यार 3 करोड़ का नुकसान हो गया, बैठे बैठा है। अभी 7 करोड़ होते तुरंत मुंह पे मारता, 10 का माल अंदर करता, फिर 10 में बेच देता, 2 महीने के बाद 3 करोड़ अंदर थे। अब जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं, बस तुम्हारे गाय का नुकसान हो गया यार, समझ रहे हो? कह रहे हो जी 7 करोड़ का मिल रहा था, नुकसान हो गया। ऐसा मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहा था, ये बैंक से कोई फोन करते हैं ना कि आपको लोन चाहिए, कहते हैं चाहिए कि कितने का चाहिए, कहते हैं 2000 करोड़ का लोन चाहिए, ऐसे ऐसे वो प्रॉपर्टी बिक रही है, उस प्रॉपर्टी को खरीदूंगा 2500 में बेच दूंगा, 500 करोड़ फायदा होगा, कुछ पैसा आप ले लीजिएगा। उस दिन के बाद बैंक ने फोन नहीं किया उसे, बल्कि बिजनेस बढ़िया था, इसमें क्या प्रॉब्लम था? तो खैर, अब आप मुझे बताइए दोबारा सोच के, जो लोग कह रहे हैं 8, अब 9 स्पेस टोटल अवेलेबल है क्या आपके पास, या टोटली 8 है? 2 और 6 मिलके 8 ही तो होता है। तो मैं दोबारा याद दिला देता हूँ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटिंग मैं दोबारा याद दिला देता हूँ, भाव विभोर हो गया मैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन ये कहती थी, जब जितना स्पेस सामने वाला मांग रहा उतना आपके पास हो बट कंटिग्यूस ना हो तो नुकसान है। सही है कि नहीं? यस yes. तो भाई साहब जब स्पेस ही नहीं है तो 9 की रिक्वेस्ट में कितना मानिएगा? 0। बताइए बात समझ आ रही है कि नहीं? जब आपके पास स्पेस ही नहीं है तो मतलब क्या हुआ? आपका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? अब मैं यहां पर दो अलग अलग केस बना लेता हूं। अगर कोई आके 7 मांगे तो? 7 तो मानिए आपका नुकसान हुआ है, लेकिन ठीक कितने का? 7 का, ठीक। अगर कोई आके 8 मांगे तो मानिए नुकसान हुआ है सर, कितने का? ठीक 8 का। ज्योति कह रही है कैसे? 5 अल्फाबेट के एक शब्द ने मेरी पूरी कहानी कैसी तैसी कर दी। भाई ऐसे कि 7 मांगा गया था, हमारी 60 यूनिट ऑक्यूपाई हो जाती, हमारा माल बिक जाता, लेकिन हमारे पास 8 था तब भी 7 का ग्राहक हमारी दुकान से चला गया, नुकसान नहीं है क्या ये?
सात यूनिट रखी हुई है गोदाम में, अपन एलोकेट नहीं कर पाए तो नुकसान हुआ ना हमारा, इजंट इट? अगर कोई आके आठ यूनिट मांग रहा है हम एलोकेट, बट रिसोर्स मैनेजर का काम क्या है? रिसोर्स एलोकेट कराना। अगर ग्राहक आपकी दुकान से चला गया, माल गोदाम में पड़ा हुआ, तो ये तो दुख की बात है। हमारे पास माल होता ही नहीं तो अलग बात थी। जैसे उसने आके बोला नौ यूनिट चाहिए, नौ है नहीं सर अपने पास। एक और एग्जाम्पल देता हूं, हमने एक बैंक्वेट हॉल बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया बताओ? बैंक्वेट हॉल बनाया, और एक हमने उसमें छोटा हॉल बनाया 250 आदमी का, जिसमें बर्थडे पार्टी, छोटा मोटा फंक्शन, रिसेप्शन, रिटायरमेंट पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, ये सब हो सकता है। और दूसरा अपन ने बनाया 750 का, जिसमें शादी वगैरह अपन होस्ट कर सकते हैं, है ना। अब एक आदमी आया और बोल रहा है कि मेरे को कितना चाहिए, मेरे को 1200 आदमी का हॉल चाहिए, 2000 आदमी का हॉल चाहिए, मुझे बड़ी शादी करनी है, 2000 आदमी। आपका नुकसान हुआ क्या? अरे भैया जब अपनी कैपेसिटी नहीं है यार, तो अपन क्यों बैठ के रोए? हमारा नुकसान नहीं हुआ। हमारा नुकसान कब होता? जब वो कहता मुझे सर सिंगल हॉल चाहिए 1000 आदमी का, मेरा सिंगल फंक्शन है, तब नुकसान होता, तब मैं मानता नुकसान हुआ यार। कैपेसिटी है, दो हॉल है, इसीलिए दीवार तोड़ दो। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग टेम्परेरी सेपरेशन लगाते हैं, आप देखना उसमें पहिए होते हैं, गेट खोल देते हैं, दो हॉल बना देते हैं, एक हॉल कर देते हैं, आपसे ज्यादा दिमाग रखते हैं, नहीं ध्यान दिया आपने? तो उस सेठ जी ने कभी भले ही ना पढ़ो इंटरनल एक्सटर्नल, आपसे अच्छी मेमोरी मैनेजमेंट करना जानता है, वो नहीं नुकसान उठाएगा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का। वो कहेगा अभी हटा देता हूं, कन्विंस कर लेगा आपको। जिसका गेट में फर्स्ट रैंक लाने के लिए रोना, ठीक है मुझे बताइए अभी ये कहानी आपको समझ आ रही है क्या? नहीं, मैं देख रहा था आप क्या लिख रहे हैं, ये कहानी फॉलो कर पा रहे हैं? तो अब मैं वापस चलता हूँ, क्वेश्चन बीच में अटका हुआ है। सर पहले केस में कितना एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे आप? 300 बोलेंगे, 250 बोलेंगे, 200 बोलेंगे, कितना बोलेंगे बोलिए? हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, अबे जीरो नहीं, 491 रहे तो ज्ञान, हुआ तो नुकसान। मैं क्या करते हो यार, जीरो क्यों बोल रहे हो, 491 मेरे पास कितना स्पेस मेरे पास कितना स्पेस था, मेरे पास 300 प्लस 250 प्लस 200, मेरे पास 750 अवेलेबल था, 491 का ग्राहक दुकान से चला गया, नुकसान है ना अपना? सर नुकसान है, 491 इज एन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। बात समझ आती है क्या? आगे बढ़ते हैं, बेस्ट फिट पॉलिसी, ये ज्यादा दिमाग लगा देगा। चलो 357 ये किधर एलोकेट कराएगा? 357 सबसे छोटा, अच्छा सबसे छोटा 400 ये बाय चांस, जी हाँ, तो अपन इधर ही जाएंगे और 400 से 357 गया जनाब, तो 43 यूनिट्स ही बचा, ठीक। अगला 210 किधर जाएगा? 210 से 250 में जाएगा, तो 210 इधर गया, ये इधर बचा 40 यूनिट्स, यस। 468 किधर जाएगा? ये 500 में जाएगा, 468, कितना वेस्ट हुआ सर, 32 यूनिट्स। और 491 ऊपर वाले के घर देर अंधेर नहीं है, हैंडल हो गया, कितना वेस्ट हुआ, 109 यूनिट्स। ओवरऑल वेस्टेज बताओ 224, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल बताओ जीरो, एक्सटर्नल बताओ जीरो। तो यार मुझे एक बात बताओ, इसलिए मैं बोल रहा था मैं पहले एनालाइज नहीं कराऊंगा, अब आपको समझ आ रहा है बेस्ट फिट कहां बेस्ट है यार, बेस्ट फिट कहां बेस्ट है, फिक्स साइज में कि वेरिएबल साइज में? फिक्स साइज में बेस्ट है सर, क्योंकि बचा हुआ स्पेस यूज तो होना नहीं है, इजंट इट? तो फिर तो पूरी अकलमंदी से, आइडिया के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ एलोकेशन किया जाए, वरना नुकसान होना तय है। ये बात समझ आती है क्या?
ओके और अब खैर अगला एग्जांपल हमें देखना ही है, अगर फिक्स साइज में आप वर्स फिट लगा दिए तो, बस मामला सेटल हो जाएगा आपका, क्योंकि बचा हुआ स्पेस यूज होना नहीं है, वहां वर्स फिट लगाइएगा तो कैसे हैंडल होगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा। यस ठीक है सर, फिर भी कोशिश करूंगा। 357 कहेगा मुझे 600 वाला स्पेस चाहिए, 357। तो इधर अपन ने एलोकेशन करा, कितना स्पेस वेस्ट हुआ बताइए, 243 यूनिट्स, 210 210 210 210 500 में जाएगा, कितना वेस्ट हुआ सर, 190 यूनिट्स। I'm sorry, 290 units. लगा लो इसे लाइन में, 491 लगा लो इसे लाइन में, दोनों का सम कितना है, 959। अपने पास अवेलेबल कितना है, 200 और 400, 600 और 300, 900 और 250, 1150। रिक्वेस्ट थी, भारी नुकसान हुआ है भाई साहब, दोनों लेवल पर नुकसान हुआ है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी हुआ सर और इंटरनल भी हुआ। ये देखिए 243 प्लस 290, और करो वर्स फिट, फिक्स में वर्स, फिक्स पार्टीशनिंग में वर्स फिट करोगे सर तो मामला गड़बड़ी हो जाएगा। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? हाँ, 600 में दो 300 300 की आ सकती थी, बट अपन उस लेवल पे मैनेज करना नहीं चाह रहे। अब बताइए आपको चीजें समझ आ रही हैं क्या? अब सारी कहानी जुड़ती हुई नजर आ रही है क्या? वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग क्या, फिक्स साइज पार्टीशनिंग क्या, कंटीन्यूअस एलोकेशन क्या, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या, सब चीज बहुत खूबसूरत। एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। 1994 पुराना लेकिन खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको जरा ऑब्जर्व करिए। यहां पर भी मैंने आपका इतना प्यार है मेरे लिए, लेकिन मेरा प्यार आलू पेटीज के लिए, तो मैं क्या बोलूं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराएंगे या थ्योरी, इसका मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मेरा मन है। और उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या ये बात से निर्भर करेगा आप क्लास में आएंगे कि नहीं? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, आना पड़ेगा। दोनों चीजें कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, मैं पेजिंग भी स्टार्ट कराऊंगा, इसमें इतना कुछ है नहीं करने के लिए कंटिन्यूअस में। और जिसने पेजिंग छोड़ा, मान लो उसने, उसका कोई पुराने पाप कर्म का उदय है, उसका फिर कुछ नहीं हो सकता सर। अच्छा, ये ट्रिपल वैल्यू वो भी बताऊंगा मैं आपको। हाँ भाई, ये तो इसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया, भारी कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों लज गए आप लोग? अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए, पुराना क्वेश्चन है, इतनी माफी दी जा सकती है। जब ये क्वेश्चन आया तो मैं LKG में पढ़ता था, तो उस समय मैंने भी इस क्वेश्चन पे इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इसमें क्लियर कट लिखा नहीं है कि वेरिएबल साइज है कि फिक्स साइज है, तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करके आप सॉल्व करिएगा। LKG में मैं 1 2 3
एबीसीडी पढ़ रहा हूँ। लाइफ में फेजेस होते हैं, चलिए जरा बहुत भारी कंफ्यूजन हो गया है, तो अभी देखते हैं कहां मसला हो गया है। 24% कह रहे हैं ऑप्शन ए, 34% कह रहे हैं बी, और 17% कह रहे हैं सी, और डी बोल रहे हैं सर 25%। चलिए एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं, फिर जो कंफ्यूजन होगा बताइएगा। कंसीडर द फॉलोइंग हीप इन विच ब्लैंक रीजंस आर नॉट इन यूज एंड द हैश रीजंस आर इन यूज। व्हेन यू से हीप, ये एक क्लू था, हालांकि इसको बताना चाहिए था, बट नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम वेयर इट इज कंसीडरिंग दैट मेमोरी इज अ सिंगल यूनिट। और अगेन इसलिए उसने बताया कि ऐसा नहीं है कि मैंने पार्टीशन नहीं किया, ये वो बस बता रहा है कि फिलहाल जो ब्लैंक रीजन है वो यूज में नहीं है और जो शेडेड रीजन है वो यूज में है। तो जैसा सलोनी पूछ रही थी, ये कैसे हुआ, कोई आया होगा कोई गया होगा, फिलहाल सिनेरियो ये बचा कि बीच में 150 खाली और इधर 350 खाली। ये बात समझ आती है? तो ये क्वेश्चन था सर वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग पे। द सीक्वेंस ऑफ अ रिक्वेस्ट इज 300, 125, 125, 50। कौन सा सेटिस्फाई कर सकता है? ऑप्शन है फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, अपन तीनों से करेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट फिट पॉलिसी से। फर्स्ट फिट पॉलिसी मुझे बताइए, 300 आएगा किधर जाएगा? 300 आएगा सर 300 वाले में ही जाएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इधर जाएगा 300। बट बचा हुआ 50 खत्म हो गया कि दोबारा यूज हो सकता है? सर वेरिएबल साइज पॉलिसी है, 50 दोबारा यूज हो सकता है। अगला रिक्वेस्ट आएगा 25, लेकिन फर्स्ट फिट पॉलिसी है तो 150 में ही जाएगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, 125 दोबारा यूज होगा। किस्मत अच्छी है, जो फ्रैक्शन बचा था वही काम में आया, तो 125 इधर यूज हो जाएगा, यस, और हो भी गया, और 50 इधर यूज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आई थिंक सारे के सारे प्रोसेस रिक्वेस्ट हमने सेटिस्फाई कर दिए, हाँ के ना? तो पूछ रहा है कि किस किस में सेटिस्फाई होगा। फर्स्ट फिट में तो हो रहा है सर, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, बट क्या है ये, द सीक्वेंस ऑफ रिक्वेस्ट कैन बी सेटिस्फाइड इफ वी यूज फर्स्ट फिट, बट नॉट होना चाहिए ना ऐसा कुछ। इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब मैं आ जाता हूं जरा बेस्ट फिट पे। बेस्ट फिट जब करेगा तो 300 के पास तो ऑप्शन नहीं, 300 इधर जाएगा, बचेगा 50, यस। 300 के बाद अगला जो आएगा 25, अब यहां बेस्ट फिट दिमाग लगा देगा अपना, यहां बेस्ट फिट दिमाग लगा देगा, कहेगा एक काम करता हूं, 150 नहीं बर्बाद करता, इधर खेलता हूं, और ये 25 इधर खेलेगा, और जो बचा स्पेस है वो कितना बचा, 25। अब मैं जो आपको समझा रहा था पनीर का टुकड़ा, बेस्ट फिट गंद फैला देता है, इतने छोटे छोटे टुकड़े बनाता है किसी के काम नहीं आते। अगला आया 125, वो इधर चला गया, अभी इधर कितना बचा, इधर भी 25 बचा। अब आखिरी रिक्वेस्ट है 50, बताओ 25 25 हैंडल हो पाएगा कि नहीं। नाउ ये दोनों एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बलि चढ़ जाएंगे, स्पेस अवेलेबल है बट अलोकेट नहीं किया जा सकता क्योंकि नॉन कंटिन्यूअस है, यस, नॉन कंटिन्यूअस है। तो सर यहां बेस्ट फिट से ना हो पाएगा, याद है ना बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो फर्स्ट फिट बट नॉट बेस्ट फिट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं कि बेस्ट फिट कहां बेस्ट है और कहां बेकार है, बेस्ट फिट किधर अच्छा है, बताओ बताओ बताओ। बेस्ट फिट, बेस्ट फिट, बेस्ट फिट, अगर फिक्स साइज पार्टीशन है तो बेस्ट फिट बेस्ट है जनाब, अगर फिक्स साइज पार्टीशन है तो बेस्ट फिट बेस्ट है, लेकिन अगर 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 वेरिएबल साइज पार्टीशन है तो बेस्ट फिट तो वर्स्ट हो जाएगा। उस केस में अगर आप वर्स्ट फिट से हैंडल करेंगे तो लॉन्ग रन में उस डेटा के रीयूज होने की पॉसिबिलिटी
ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ आती है? इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? पहले भी बहुत मेहनत की है लेकिन आपसे पढ़ के जो कॉन्फिडेंस आया है उससे कभी नहीं आया। आप कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट भी इजी समझा देते हैं, थैंक यू सो मच। ये स्टार्टिंग में पढ़ के कुछ ऐसा लगता था, पहले मैं बहुत पतला था, मैंने बहुत कोशिश की बट मेरी सेहत में कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर मैंने लाली कृष्ण कंपनी का चूर्ण खाया, यस, अब मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं खेत में ट्रैक्टर के बिना ही खुद ही काम कर लेता हूँ। ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा मत मानिए कि इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों का प्यार है, यही मुझे मोटिवेशन देता है और यही मैं भी कभी कभी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, इजंट इट? मुझे लगता है मैं जीवन में सही कर रहा हूँ कि नहीं, बट आप लोगों का प्यार है जो मुझे बताता है कि नहीं भाई, मैं सही काम में लगा हुआ हूँ और मैं कुछ करूँ तो उससे आप लोगों के जीवन में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट, कुछ वैल्यू में जनरेट कर पा रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे पता नहीं आप लोग फील कर पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, ये तो ये तो ऑनलाइन माध्यम है। अब आप इस बात पे विश्वास कर रहे हैं कि अगर फिजिकल क्लास हो तो 8 घंटे की भी लगाई जा सकती है? क्या दिक्कत है? उस क्लास में बैठने में समस्या है सर, जिसमें समझ ना आ रहा हो उसमें तो 1/2 घंटा भी मौत के समान है। जब समझ नहीं आए तो आप कैसे बैठिएगा? बाकी तो फिर चाहे 8 घंटा चाहे 10 घंटे, टाइम्स फ्लाई अवे, आपको पता ही नहीं लगेगा। अरे हिस्ट्री का क्लास तो इतना खूबसूरत है, सोचिए हिस्ट्री तो सब्जेक्ट ही कहानियों का है। अगर मैं, ये सब मेरे सपने हैं, मुझे पता नहीं कब मेरा मन भर जाए इससे, फिर मैं कुछ अलग सब्जेक्ट में मुंह मारूं जाके, मजा ही आ जाए हिस्ट्री तो। हाय हाय, खान सर तो रैंडम टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं। एक और सर मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, ओझा सर, देखिएगा ओझा सर, देखा है आपने? वो आई थिंक हिस्ट्री के टीचर है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। अब ये मेरे काम का नहीं, फिर भी मैं कभी कभी बैठ के 1-1 घंटा वीडियो देख रहा होता हूँ। अपन कुछ सीख लेते हैं ऐसा ही, कुछ कहानी अपने काम की निकल जाए। शिवम कह रहा मैं भी रोज देखता हूँ, बस रोज मत देखा करो, ज्यादा हो जाएगा, कभी कभार। चलिए सर, ये आइडिया आपको समझ आया? ठीक है, तब यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, 2-4 क्वेश्चन ही, इसमें ज्यादा नहीं है, इसको आप ट्राई करिए। अभी 1 घंटे का समय आपके पास है, क्योंकि उसके बाद जो मैं कहानी स्टार्ट करूंगा सर, वो क्या स्टार्ट करूंगा, वो है सर नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन। तो मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, जिसका मन है ना आए, बाद में रिकॉर्डिंग देखना, इट्स ओपन चैलेंज। पीपीटी अभी अपलोडेड है, यू कैन एक्सेस, है ना? और इस 2 घंटे की क्लास में मुझे नहीं पता मैं कितना पढ़ाऊंगा कितना नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको पेजिंग का मतलब समझा दूंगा, ये तय है। आपका मन है पढ़िएगा, मन नहीं हो मत पढ़िएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? चलिए, तो इसको चिल रहिए, 1 घंटे का ब्रेक है, बहुत ज्यादा मत खा लीजिएगा, कम खाइएगा ताकि अगली क्लास में आपको नींद ना आए। चलिए, बाय बाय।